Krishna,
शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। Time.
संत सुना सरे संतो निहाया सरे भद्रान पश्यंतु माता चीज भाग बने हरिओम शांति 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 ओम प्रभु इसने भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु, ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेनत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्णः शरणौ मम, श्री कृष्णः शरणौ मम, श्री कृष्णः शरणौ मम। अभाग्यशाली कल्याण कामनी गीता अनुयायी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों धार्मिक भाइयों, आओ मिलजुल करके अपने मन को एकाग्र करें, जोड़ दे ये एकाग्र मन भगवान जी की अत्यंत कल्याणकारी एवं लोक परलोक बनाने वाली अमर वाणी। ऐसी चोटी की वाणी या फिलॉसफी या ब्रह्म विद्या सुनने के हम आदि नहीं थे, इसलिए बड़ी जरूरत है एकाग्रता की, समझ ही नहीं पड़ेगी हमें, क्योंकि ये बातें हमने कभी ना सुनी ना विचारी ना किसी ने बताई। अब पहली बार भगवान जी हमारे पर अपार कृपा करते हुए ये ज्ञान की वर्षा कर रहे हैं, इसलिए बड़ी जरूरत है देवियों सज्जनों किस बात की, एकाग्रता की, ताकि आप यहां आकर के पूरा लाभ उठा सके। प्रसंग चला हुआ है मन की चंचलता और स्थिरता, इतनी बात हमने पिछले दिनों में जानी। आपके लिए प्रसंग बहुत कल्याणकारी सिद्ध हो रहा है, ये मेरे भाग्य अच्छे और आपके भी बड़े अच्छे भाग्य कि आप एकाग्रता पूर्वक सुन के ऐसे रियलाइज कर रही हैं कि जो नया प्रसंग प्रभु ने चलाया है ये हम सबके बड़े काम आ रहा है, चाहे कोई कितनी अवस्था बना चुका है। क्योंकि मन की चंचलता तो काफी को रुकती जा रही है, लेकिन अब स्थिरता कैसे हो, मन पूर्ण पे स्टेबलाइज कैसे हो जाए, हियर इज द मेन पॉइंट जो आपने पिकअप कर लेना है। मैं अपनी ओर से भगवान की शक्ति से पूरी कोशिश कर रहा हूं, अपने अनुभव के आधार पर और अपने महापुरुषों के आधार पर और जो भगवान जी ने अपने श्रीमुख से बताया है उसके आधार को लेकर के और भी क्लियर करता रहा। आपका काम केवल एकाग्र रहना है और जो बात आपको चुप जाए वो आपकी बन जानी चाहिए, केवल ये नहीं कि आपके मन को चोट लगी, चोट लगे और वो आपकी बन जाए, वो बात आप में टिक जाए, आहा आप में ठहर जाए, शाबाश। जैसे बास्केटबॉल कहीं तो देखा होगा आपने कॉलेज में या किसी ग्राउंड में बास्केटबॉल खेलते हुए, तो जब बास्केटबॉल की वो चोट मारती है तो अंदर वो बॉल बास्केट में रुक जाए, गोल हो गया, ये नहीं कि टच करके नीचे आ जाए। भगवान का फरमान भी बास्केटबॉल की तरह है, सिर्फ नॉट मियर टचिंग बट कीपिंग। आएगा ओ मेरे प्रभु जी, ओए नॉट टचिंग बट कीपिंग, हमने इसे कीप करना है, ले लेना, चुप गई बात हमारी बन जाए। परमार आपको शक्ति दे, महाराज जी की ब्रह्म विद्या का जो भी भाव आपके मन को अपील कर जाए, आपके मन को स्ट्राइक कर जाए, वो आपकी बन जाए, तब गीता सुनने का आपको पूरा पूरा लाभ हो जाएगा। और मैं आगे बढ़ू, वैराग पर चर्चा चल रही है जो आपके लिए बहुत ही अनिवार्य भी गए और बहुत गुणकारी भी है, लाभकारी भी, साधना में हर रोज काम आती है वैराग। आज रविवार है,
मैं पिछली भी दुराई करके आगे बढ़े वरना आपको पता ही लगेगा, क्योंकि जो केवल आज के दिन जनता तशरीफ लाती है उसके पल्ले भी तो पढ़ना चाहिए ना। महाराज इस मार्ग में अनिवार्य गुण है, आदत नहीं कहूंगा, अनिवार्य गुण। वैराग का अर्थ जो आप अपने बुद्धि में मन में अंतःकरण में रखती है एकदम बाहर निकाल दीजिए। जैसे डॉक्टर कोई दवाई देकर के हमारा पहला खाया पिया वॉमिटिंग करवा देते हैं, सब पेट साफ कर देते हैं, नए सिरे से फिर दवाई देती है, पहले वो समझती है कि जहरीला हो गया, अंदर गैस पैदा हो गई और अंदर सारा वशैला मैटर हो चुका है खाया पिया हुआ, तो निकालती है वॉमिट। इस तरह जो आपने वैराग के बारे में कुछ सुना है वॉमिट कीजिए, भगवान उसको वैराग नहीं मानते। आपका जो धारणा थी बिल्कुल मिथ्या पूर्ण धारणा, दैट इज एलुसिव धारणा, हाई बिल्कुल रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है, रॉन्ग कन्विक्शन है। अब हम भगवान जी के फरमान को लेके आश्चर्य कर उठते हैं और समझते हैं ये वैराग थोड़ा है, इट इज नॉट नेचुरल स्टेट, ये तो एक स्वाभाविक अवस्था हर एक की होनी चाहिए, चाहे कुछ संसारी भी क्यों ना हो, चाहे वो भगवान पर ना विश्वास करने वाला हो, अभ्यास भी ना हो, भगवान का भक्त भी ना हो। अगर वो चार दिन अपना आराम से काटना चाहता है लिविंग इन दी बॉडी, हाँ, तो उसे ये तो भाव होना ही चाहिए, तब वो आप किसी भी अपने काम के अंदर पूर्ण रूप से एकाग्र होकर उसी जल्दी जल्दी कर सकता। मे बी इन एनी फील्ड, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे बिजनेसमैन है, चाहे शादी करके एक हाउस होल्डर के रूप में रह रहा है, चाहे बहुत बड़ा डायरेक्टर है, डिक्टेटर है, मे बी इन एनी शेप इन एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन इतनी बात समझ होनी चाहिए। वैराग किसे कहती है, भगवान और जहान दो ही तो संसार में विषय है, देयर ओनली टू ऑब्जेक्ट्स, भगवान जहान, जहान में दिखाई देता है, ये गोचर है, और भगवान इस जहान को चला रहा है वो अगोचर है। जो चीज चलती है वो दिखाई देती है, जो चलाती है वो नजर नहीं आती। बीवी का हर पॉइंट आपको नजर आएगा, लेकिन हर पॉइंट में छिपी हुई करंट नहीं नजर आएगी। मेरे रब्बा ओए, ध्यान देना, ध्यान देना, मेरी बच्चियों में और भी प्रकाश डालूं और ये भगवान की गूढ़ बातें सरल बना डालूं, सुबोध हो जाए। जो चीज चलाई जाती है वो नजर आती है, चलाने वाला नजर नहीं आता। चलाने वाला जो नजर नहीं आता उसको हम अपनी भाषा में बोलेंगे, राष्ट्रभाषा में, अगोचर। तुम हो एक अगोचर, पर हो क्या सबके प्राणपति, आप हमारे प्राणों के स्वामी हैं। प्राण ये जो श्वास हम ले और ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, फिर बाहर छोड़ देते हैं, इनहेलिंग एक्सहेलिंग, हाँ ये महाराज जी की शक्ति से चल रही है। और जो चीज नजर आती है ध्यान देना वो नाश हो जाती है, जो चीज विजिबल है पेरिशेबल, ये अपने मन पर गहरे शब्दों में लिख लो, विजिबल पेरिशेबल, विजिबल पेरिशेबल, गोचर नश्वर। जो गोचर है आपके आंखों का विषय है, मैं आपके गोचर हूं, शरीर नहीं रहेगा, आप मेरे गोचर है, शरीर नहीं रहेगा, ये भगवान का नियम है। जो चीज दिखाई देती है वो नहीं रहेगी। अपने व्यास के सारे ऋषियों, महर्षियों, देव ऋषियों, राज ऋषियों ने आपके निर्विकल समाधि के बाद क्या भुजा बुलंद करके डिक्लेयर किया, दृष्टम नष्टम, दृष्टम नष्टम, दृष्टम नष्टम, दृष्टम जो दिखाई देता है, नष्टम नष्ट हो जाएगा। दो शब्दों में गजब डाल दिया, दृष्टम नष्टम, जो भी नजर आता है अपना समय पूरा करने के बाद चले जाएंगे। पांच तत्वों के बने हुए मेरी देवियों और पांच तत्वों में समा जाएंगे। गुड, ये सबसे पहला पार्ट। अब है ऐसा, ये कोई याद करने वाली बात थोड़ी है, पर हमने इधर ध्यान ही नहीं दिया। इधर कभी आपने एकांत में बैठकर या फुर्सत घड़ियों में ये तथ्य एवं रहस्य की बात पर नहीं दिया, जिसे रॉयल सीक्रेट एंड रॉयल नॉलेज, इस पर हमने कभी भी विचार नहीं किया कि जो चीज दृष्टम है उनका नाश हो जाएगा, वो नहीं रहेंगी। इसलिए जो गोचर है वो जाएंगी, वो चली जाएंगी। तो आप ये बात हमेशा मन में रखें, जिनके साथ आपका संपर्क हो रहा है, जिनके साथ आपका उठना बैठता है, लेन देन है, व्यवहार है, नहीं रहेंगे, आप भी नहीं रहेंगे और जो प्राणी पदार्थ है वो भी नहीं रहेंगे, अर्थात संसार का जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों नहीं रहेंगे, है वस्तुगत व्यक्तिगत दोनों नहीं रहना। सब्जेक्ट को कहिएगा व्यक्तिगत और ऑब्जेक्ट को कहा करें वस्तुगत, जो हमारे से परे है वस्तुगत
और जो हम नजदीक है ये व्यक्तिगत है। तो ये दोनों चीजें संसार में नजर आती हैं, ये दोनों चली जाएंगी। अपना एक विशेष काम जिसके लिए आए हैं, जैसे आप विशेष काम के लिए आए भगवान जी की हमारे वचन कल्याणकारी वाणी को श्रवण करने के लिए, सुनेंगे चल देंगे। इस तरह हर प्राणी पदार्थ भगवान जी ने भेजा एक विशेष काम के लिए, विशेष काम वो करेगा और चल देगा। और विशेष काम कितने समय में करता है ये तो भगवान को तो पता है ना, क्योंकि भगवान सर्व ज्ञाता है मेरी देवियों। इसलिए हर एक की आयु उसके अरमानों के अनुसार अलॉटेड अलॉटेड अलॉटेड। कभी आप विचार करना, आप बड़ी मूर्खता करती है जब कहते हैं आए ये मर गया, इसने मरना नहीं था। भगवान बहुत नाराज होते अगर ऐसी आप बकवास करते जाएंगे। अगर आप ऐसे आपने शब्द लगा दिया ये अकाल मृत्यु मर गया, अकाल बिल्कुल ही सोचे चाहे पढ़े लिखे हैं लेकिन बिल्कुल ही आप मूर्खता करते हैं। अकाल अर्थात इसका टाइम नहीं आया था, कितनी मूर्ख है ये कहना। टाइम नहीं आया था पहले मर गया, ऐसे कभी दुनिया में चीज हो सकती है कि भगवान ने उसका टाइम न मुकरर किया और पहले किसी के मजाक थी उसे शरीर छुड़वा देता, नहीं हो सकता ये है। आज के बाद अब कोई ना बोला करे कि अकाल मृत्यु फला मर गया, या अंग्रेजी में हम तर्जमा कर लेते हैं अनटाइमली डाइड, सो एंड सो अनटाइमली। देखो कितनी मूर्खता, टाइम नहीं था उससे पहले मर गया। ये पंजाबी वाले पंजाबी पट्ठे और भी अपनी जबान गंदी कर देते हैं ये कहते हुए भी आई मौत मर गया। क्या बकवास कर रही है, भी आई मौत, कितना वो रब नाराज होता है जो आप ये बकवास कर देती हैं। बी आई, आई नहीं थी मर गया, व्हाट ए वंडर। ऐसे दुनिया में कोई एक भी दृष्टांत ऐसा हुआ कि बी आई मौत मरा, कोई दुनिया का रब नहीं, कोई शक्ति वाला नहीं रहा दुनिया में, नहीं। ये सब कुछ पहले मुकरर है, पहले बनी प्रारब्ध पाछे बना शरीर। कभी ना ये शब्द लगाना बी आई मौत मर गया, अनटाइमली डाइड, या अकाल मृत्यु उसकी हो गई, अकाल वक्त नहीं था उससे पहले मर गया, गलत। यही टाइम था जब उसने शरीर छोड़ा है, चाहे वो 5 साल का था, चाहे आपके पेट में था, चाहे अभी 10 दिन हुए थे पैदा हुए, या भरे जोबर में मर गया, या अभी डोली लेके आया ही था घर के अंदर, रात को दर्द हुई डॉक्टर साहब के पास गया हार्ट फेल हो गया, चाहे वो इनको हम बोलते हैं कि ब्याज मौत मर गया जो भरे जोबर में चले जाए, गलत। परमात्मा की सृष्टि बड़ी अटल नियमों के आधार पर चल रही है। हाय ये दुनिया बनाना, कभी आपके कानों में ये आवाज पड़ी है कि नहीं मेरी देवियों सजनों, ये दुनिया बनाना बना के फिर चलाना उसी का काम है, वो बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम। ये दुनिया बनाना बना के फिर चलाना उसी का काम है, बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम। तो टाइम से हर चीज हो रही है, तो अपने दिमाग में ये फतूर निकाल दीजिए कि पहले कोई मर सकता है या पहले कोई मार देता है ना। अपने अपने दिन पूरे करके बहाना बनेगा चल देंगे। ये आपने जरूर सुना होगा हीले रिजक बहाने मौत, मौत ने आने कोई बहाना बन जाएगा और धन ने आना होगा कोई हीला वसीला प्रमाण बना देंगे। ये बिल्कुल सत्य है। ऐसे सिद्धांतों पर हमें एकांत में बैठकर विचार किया जाना चाहिए ताकि हमारे मन में जो गलत विचार है ये मिसअंडरस्टैंडिंग है दैट मस्ट बी रिमूव्ड फॉर एवर। अब ये चीज जान ले कि ये सारे के दिन मुकरर है और संसार में सब चीजें जो भी बनाई गई हैं अपने विशेष काम के लिए आई है। विशेष काम में जितना समय लगना है उतना समय भगवान ने दे दिया है, उसी निश्चित समय को यानी अलॉटेड पीरियड ऑफ पीरियड को हम आयु बोलते हैं, अलॉटेड पीरियड को हम आयु बोलते हैं। जो विशेष काम के लिए आई है तो जो भगवान ने उस काम में समय लिया कि इतना समय लगेगा उस उतने समय को आयु बोलते हैं। इतनी आयु भगवान ने उसको दी है जिसके लिए हम कह सकते हैं रत्ती बड़े नमासा घटे। जो भगवान ने आपको आयु दी है उसमें कभी भी बढ़ोतरी घटोती नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। अगर कोई ऐसा कहता है तो अपनी मूर्खता प्रकट करता। जो मेरे मालिक ने आपको आयु दी है एक एक सांस वैसी रहेंगे, इसके बारे में आप निश्चिंत हो जाए। भगवान के शब्दों को लेकर के जो पैदा हो मौत उसको आए जरूर, मरे तो जन्म फिर वो पाए जरूर। हमेशा के लिए मन में बिठा कर निश्चिंत हो जाओ कि समय से पहले कभी कोई बात हो नहीं सकती और समय आने पर कभी वो क्या रोकी नहीं जा सकती। फिर रोना किस बात का, डरना किस बात का, खून किस बात का सुखाना और ब्लड प्रेशर को हाई करके नाना प्रकार की बीमारियों का कारण क्यों बनना। जब एवरीथिंग इज प्री डिटरमिंड, कितना गजब का सिद्धांत है।
कुछ तो मन में रखेंगे तो भगवान के सिद्धांत को ना मन में रख ले, जिससे मन बहुत ही शांत हो जाता है। मेरे सज्जनों, मेरे धार्मिक भाइयों और मेरी माताओं और मेरी अच्छी बेटियों, सिद्धांतों को मन में रखो ना। हां, क्यों ना हम सही सिद्धांत रखे, दो दूनी चार, दो तीये छह, दो चौके आठ, दो पांच दस, वो उल्ट पुलट क्यों रखे, दो दूनी पांच, दो दो तीये चार, दो ये बकवास क्या। मन में रखना तो मैं ठीक क्यों नहीं रख लिया, जो सिद्धांत है दो के साथ दो मिले तो चार बनते हैं, दो के इंटू थ्री मिले तो छह बनते, मैं ये क्यों रखू, गलत मत क्यों रख लिया। इस तरह जो भगवान ने दुनिया बनाई, दुनिया में सिद्धांत बनाए, वो सिद्धांत क्यों ना मन में रखू। मूर्खों की बातें क्यों मैं मन में रखू, नलायकों मूर्खों और जिनका कोई तजर्बा नहीं है और बक बक करके समाज में गंध फैलाया हुआ है, उनकी बातें मैं क्यों अपने मन में रखू। वाय ऐसे इंकलाबी बन जाइए, या आने वाली हर मेरी मैया मेरी बेटी इंकलाबी बन जाए। मैं ही नहीं, मैं वही रखूंगी जो भगवान ने बताया, बाकी सब मैं उल्टी कर दूंगी, सब अपने हृदय से। गीता उन्हीं के लिए है, भगवान आपको भुजा बुलंद करके गीता में कह रहे गए। क्या गीता किन के लिए गए, गीता किन के लिए गए जी, इरादे का मजबूत दिल का कवि, जिसका दिल कुवत में भरा हुआ, कुवत में ताकत और इरादा जिसका अंश के बल है, गीता उनको वेलकम करती है। अरे गीता उन्हें स्वागतम कहती है, नहीं क्या कहती है, शुभ आगमन। जो इरादे के पक्के है, क्या सिर कटा सकती हैं लेकिन इरादा हटाएंगे नहीं, उनके लिए भगवान कहती हैं क्या ये चलना उनका इस मार्ग में बड़ा आसान है। गीता है ही केवल उन्हीं के लिए, इरादे का मजबूत दिल का कवि का मतलब कोई पोएट से नहीं है, कवि का मतलब डज नॉट मीन यानी पोएट, कवि कुवत से शब्द बना है, कुवत मैंने ताकत वाला, हुज माइंड इज वेरी वेरी पावरफुल और हुज डिटर्मिनेशन इज अनशेकेबल, अनशेकेबल डिटर्मिनेशन, किसी भी कीमत पर अपने इरादे को हिलाएंगे नहीं, शरीर छोड़ देंगे लेकिन इरादा पक्का। गीता उनके बड़े काम का शास्त्र है, उनके कई सिद्धांत उनके मन में आ जाएंगे। गीता बुज दिलों के लिए नहीं है, गीता कमजोर दिलों वालों के लिए नहीं है, भले ही आप नारी चोले में आए हैं लेकिन शेरनी बन के रहेंगे, दिलेरनी बन के रहेंगे, अपनी जान को हथेली पर रख के रहेंगे, तब तो ज्ञान आप में प्रवेश कर जाएगा। सच्चाई की बात आपसे कह रहा हूं, मैं जरा को बढ़ा चढ़ा के कहूं मुझे अगणित बार लानत, ये बिल्कुल सच्चाई की बात है। गीता उन्हीं के अंदर के पर्दे खोल देती है जो मर्द मिटने के लिए तैयार है, लेकिन सिद्धांत को नहीं छोड़ेंगे, और रखना वही है जो भगवान जी ने गीता जी में कहा है, बाकी सब कुछ हम लोग कह देंगे। गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन, ओ मेरे भगवान की सुख कारणी वाणी, कम केम कम, कम केम कम, आइए तशरीफ लाइए और मुझे एक भद्र पुरुष बना दीजिए, मुझे अच्छा बना दो। तो संसार क्या कहे, चाहे आपको बड़ा अच्छा लगे लेकिन है बहारे बाग दुनिया चंद रोज, ये जो संसार की बहार है ये चंद दिनों की है, अब इसमें ना मानने वाली कोई बात है नहीं। सुन मेरी बेटी, एकाग्र रहना, ये कोई मैं और आप जरूरत करेंगे कि हम नहीं मानते, कैसे नहीं मानते, हाथ कंगन को आरसी का बचपन से हम कहावत सुनते आ रहे हैं, आपने हाथ में ये रिस्ट वॉच पहन रखी है बेटे, रेस्ट वॉच, हाय रेस्ट वॉच बच्ची, हाँ काफी मेरी बच्चियों को पता ही नहीं, मैं हैरान होता हूं। अचानक मेरे पूछे ये कौन सी बात है, रेस्ट वॉच है, क्यों रेस्ट वॉच क्यों बोलती है, ये हाथ पे आराम करती है, ओए कमली कितनी पढ़ी है तू, मैं ग्रेजुएट हूं, ग्रेजुएट की बच्ची रेस्ट में तो आराम करती है, नहीं डब्ल्यू आर एस टी क्लाइव के पर है, तो मैंने पता ही कोई नहीं, शब्द रेस्ट है नॉट रेस्ट आर एस टी, रेस्ट मैंने क्लाइव डब्ल्यू के साथ, अच्छा तो जिसने रेस्ट वॉच पहन रखी है क्या उसको हम शीशा दिखाएंगे कि जरा देखिए, या कंगन आपने पहन रखा क्या शीशे से दिखाया जाएगा तो नजर आ रहा है, तो ये भी कोई सिद्धांत पक्के करने वाली बात है कि ये चीजें नजर आती चाहे बड़ी सुंदर भी अच्छी है लेकिन जाने वाली। भगवान ने चंद दिनों के लिए बनाई है और इसकी आयु भी उनके साथ है कि इतने दिन रह करके इसे ये करके चला जाना है। अब ये बात हमने एक बार गीता ये पढ़ी, हमारी आंखों के सामने भी है, मन में रख ले, बिल्कुल ठीक है, राइट। इसमें कोई नास्तक है या आस्तक है वो जरूरत नहीं करता कि मैं नहीं मानता, कैसे नहीं मानता, ये तो आयु हर एक काम कोई काम अपना करके चल देंगे, हाँ हर एक ने अपना अपना काम करके चल देना है।
शबाश। तमगुणी अपने अनुसार करेगा, रजोगुणी अपने अनुसार करेगा, सतोगुणी अपने अनुसार करेगा। अपनी अपनी बोलियां सब बोलकर उड़ जाएंगे। ठीक। अब इसके उलट जब हम संसार में देखते हैं, हर चीज अपना काम करके जा रही है, अपना काम करके जा रही है, अपना काम करके जा रही है। अब एक किसी आपको प्लेइंग ग्राउंड में ले चलूं, अब ये क्या हो रहा है, यहां पर हॉकी का मैच हो रहा है और गरमा गरम मैच है, खिलाड़ी में आपस में हलचल मची हुई है, जो टस्सर चल रही है आपस में, अपोजिट खिलाड़ी हैं, तो वो कहता है मैंने इनकी गोल लगवा दे रहा, वो कहता है मैंने इनके गोल लगवाना है। ओलंपिक गेम जीती होती है, इज्जत के भूखे होते हैं, मरे होते हैं इज्जत के नाम पर, जो कि एक वर्ल्ड लेवल पर इनकी होती है ओलंपिक, तो इज्जत चाहिए इनको। प्रेस्टेज क्वेश्चन होता है कि मेरा देश जीत जाए, मेरा देश के हाहाकार, ये मचे मेरे देश के नाक न कटे, तो खूब गर्मा गर्म होते खिलाड़ी, अपनी अपने शरीर को ही भूले हुए हैं, अपनी थकावट को ही भूले हुए हैं, किए जा रहे हैं, उधर भागता है उधर भागता है, गेंद बिचारी भी उस घड़ी के इंतजार में है, कब मैं इन जालमों से छूटूंगी, गेंद को भी तो कड़ी देख किक पे किक खा रही है, इधर इधर के किक, उधर के किक, इधर के किक, कितना एक देखने वाला नजारा होता है, कितना बुरा हाल, सारे भागे जा रहे हैं, गेंद भागी जा रही है, और जो आत्मे होती है उनके हॉकी वो भागी जा रही है, और तो और जमीन की मिट्टी भी भागी जा रही है, लेकिन यह खेल नहीं हो सकता है, इतनी गर्मा गर्म नहीं हो सकता अगर कोई सेंटर पर मेज लेकर के रेफरी बन के खड़ा ना रहे। देयर मस्ट बी वन मैन, ही मस्ट बी स्टैंड स्टिल। सुनो मेरी बेटी, भगवान का सिद्धांत सुनो, पढ़ी लिखी बेटियों, एक ऐसा आदमी होना चाहिए जो स्टैंड स्टिल हो, वो इन सारों की तरह भागे नहीं, झल्ला ना बने, दौड़े नहीं, बल्कि उसे एक ऊंची जगह पर खड़े रहना चाहिए और इस सारा नजारा देखे और सारे उसके ऑर्डर माने, कमांड उसके अंडर, कमांडमेंट हो, अंडर कमांडमेंट, उसके इशारे पे नाचे, वरना कई बार अगर कोई जिद करता है तो उसको निकाल, निकाल आउट, यू प्लीज आउट, और अगर नहीं निकलता गेंद वही खड़ी होती, बस स्टॉप, जो जो खिलाड़ी मैंने देखा वही खड़ा हो गए थे, स्टॉप वही स्टॉप, क्यों नहीं निकलता यंग मैन गो, बड़ी बेइज्जती करके वो निकालता है रेफरी, सारे कहते क्या हो गया, निकलो बाहर, तो सारी इसलिए ओबे करती हैं सर, इस वक्त वो रेफरी नहीं होता, वो मेरे भाइयों बोलू क्या होता, डिक्टेटर होता है, ही जस्ट लाइक डिक्टेटर, जैसे कोई राजा होता है ना, हां ये मान नहीं पड़ेगा, इस वक्त वो सम्राट, मैं बादशाह भी नहीं कहूंगा उसे, एम्परर कहूंगा, एम्परर ऑफ इस फील्ड, एम्परर ऑफ इस फील्ड, अपनी फील्ड का एम्परर है, सम्राट है, किंग भी नहीं, सम्राट जिसके अंडर कई किंग होते हैं उनको हम सम्राट बोलेंगे, अंग्रेजी में एम्परर कहते हैं, बिल्कुल उसके अंडर रहना पड़ेगा, उसको मानना पड़ेगा, इशारा मानना भी क्या, इशारे पे नाचना पड़ेगा। तो ये दुनिया में हर चीजें हलचल में आ रही हैं, जा रही हैं, एक वो सर्वव्यापी परमात्मा है जो रेफरी की तरह हाँ सबका संचालन कर रही है, संचालन कितना प्यारा शब्द है अपनी राष्ट्रभाषा का, संचालन कर रही है, सबका त्रिलोकी का संचालन, वरना त्रिलोकी चल ही नहीं सकती अगर एक रेफरी की तरह संचालन न करे तो, वो बड़े नालायक है मेरे बच्चे और मेरी बेटियां जो कहती सब चीजें क्या चेंजेबल है, गलत, चेंज हो ही नहीं सकता अगर एक चीज अनचेंजेबल ना हो तो, अगर रेफरी अनचेंजेबल ना हो, स्टैंड स्टिल ना हो, गेम खेल के दिखाओ किसके अंडर गेम खेली जाएगी, कौन कहेगा ये आउट, कौन कहेगा कैसे मारी, कौन विसल मारेगा, कौन इनको गाइड कौन करेगा, ये तो तय नेस का डालेंगे, दूसरे को सिर फोड़ देंगे, अंग तोड़ देंगे, लेकिन एक के अंडर वो रहेंगे तब गेम बड़ी शानदार चलती है। इस तरह एक सर्वव्यापी डिक्टेटर भगवान जी हैं जिसके अंडर ये त्रिलोकी चल रही है, ये सब उसी के अंडर है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आती, इनमें तब्दीली आती है जो नीचे खेल रहे हैं, कोई रजोगुणी गेम खेलता है, कोई तमोगुणी गेम खेलता है, मुबारक आपको आप सतोगुणी गेम इस जन्म में खेल रही है, ये भी गेम फॉर सम पीरियड, फॉर सम अलॉटेड पीरियड, ये भी एक गेम है मेरी बेटी, पर है बड़ी मजेदार गेम, पहले हमने रजोगुणी गेम खेली, कभी रोना कभी पिटना, कभी रोना कभी हंसना, कभी गमगीन हो रहना, वो भी गेम देखी, वो तमोगुणी गेम में कुछ बोले नहीं चाहता, बड़ी गंदी गेम, वर्स्ट पॉसिबल दिस इज बेस्ट पॉसिबल, और वो क्या है इन बिटवीन, नाइदर गुड नॉर बैड, इन बिटवीन गोइंग रजोगुणी गेम जो आपने चलाई है और आपको अपना तजर्बा है नो डाउट, और लेकर ये सब कुछ उनके अंडर हो रहा है, रेफरी का दृष्टांत बहुत अच्छा है, बड़ी जल्दी आप पिकअप कर लोगी मेरी बेटियों कि रेफरी के अंडर ही ये गेम गर्मा गर्म होती,
और डरती है सारी, चाहे वो बादशाह का पुत्र भी क्यों ना हो, चाहे आपके किसी प्रधानमंत्री का भी पुत्र क्यों ना हो, लेकिन उस वक्त तो वो उसके अंडर है रेफरी के। ये कहेगा कि मैं प्रधानमंत्री का पुत्र हूं, फिर भी बाहर निकाल दिया जाएगा। गड़ब बाद में सुनेंगे यू आर। इस वक्त तुम प्लेयर हो, इस वक्त तो प्लेयर हो, तो बिहेव एज ए प्लेयर। रेफरी फोर बोला बिहेव एज ए प्लेयर, नॉट बिहेव एज ए सन ऑफ प्रधानमंत्री, नो प्राइम मिनिस्टर के बेव नहीं, बिहेव एज ए प्लेयर। हम सब एज ए प्लेयर है, कुछ एक नियम है हमारे, उसमें हमने बिहेव करना। और सुनो मेरी अच्छी कल्याण कामनी बेटी, ये सब कुछ उन्हीं के अंडर हो रहा है जो अपनी भुजा बुलंद करके गीता में कह रहा है, भला किसकी ताकत है किसकी मजाल, पना कर सके हस्ती लग, किसकी मजाल है, भगवान कहती है जो मेरी जैसे न बदलने वाले को बदल सके। हाय, मालिक की मर्जी के आगे किसी का जोर नहीं, उसके हुक्म पे हुक्म चलाने वाला कोई और, हुक्म पे हुक्म चलाने वाला कोई और। फिर हमें कहना पड़ेगा ही इज ऑलमाइटी, बेटे वो सर्वशक्तिमान है। साथ ये भी कहा करो जब बोलते सर्वशक्तिमान, वो सर्व समर्थ है, सर्व समर्थ सर्वशक्तिमान, जो चाहे वो कर दे क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। ये आपको मन में बात गहरी ले जानी पड़ेगी, और वो सर्वव्यापी है, बाकी सब चीजों का नाश इसलिए हो जाता है कि वो लोकल होती है, स्थानीय होती है। जो वस्तु स्थानीय है वो कुछ समय के बाद जरूर पांच तत्व मिल जाएगी, और जो चीज सर्वव्यापी है उसका कभी नाश हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसी के अंडर ये सब कुछ हो रहा है, वही सब कुछ कर रहा है। हाय काय 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 काय, चलाने वाले का नाश नहीं होता, जिसने इन वस्तुओं को बनाया और चला रहा है उनका नाश हो जाता है। कुम्हार बना रहता है, पर कुम्हार के बने हुए मटके घड़े सुराइयां ये सारे के सारे टूट जाते हैं। हाँ, कुम्हार जो का तू अगले महीने माँ का पुत्र फिर नए घड़े बना बैठेगा, फिर नई सुराइयां, ते नए जो है जग, तो नए मिट्टी के रंगीन खिलौने और दिवाली के छोटे बड़े दीपक। कौन कुम्हार, परमात्मा जैसा कुम्हार इस दुनिया में भला कौन होगा। बहुत चोटी का कुम्हार है परमात्मा, नए नए मटके नए नई सुनाइयां नए नए चीरी ये बड़ा बैठते पुराने जा रही है नए बनते जा रही है। शाबाश शाबाश शाबाश, ये चक्कर चलता ही रहेगा, उसका कभी नाश नहीं होता, इम्पेरिशिबल है, ये मान लेना होगा। तो जहान में फिर दो ही चीजें हैं, जहान और भगवान, एक ऑब्जेक्ट है एक सब्जेक्ट है। ये भगवान के सामने जहान ऑब्जेक्ट है, जैसे मेरे सामने आप ऑब्जेक्ट है, मैं आपके सामने ऑब्जेक्ट हूं, मेरे सामने आप ऑब्जेक्ट है, हां आप वस्तुगत है मैं व्यक्तिगत हूं, लेकिन आपके लिए मैं उल्ट हो जाऊंगा, मेरे लिए आप वस्तुगत है ऑब्जेक्ट, यू आर ऑब्जेक्ट टू मी एंड आई एम ऑब्जेक्ट टू यू। भगवान के सामने सारा जहान ऑब्जेक्ट है, और वो देखे जा रहे हैं, और उन्होंने अटल नियम बनाए हैं, नियम में कभी फर्क नहीं पड़ता, इसलिए नियमों को हम फैक्ट बोलते हैं। फैक्ट क्यों, ये फैक्ट है, कितना अच्छा कहा गया, क्योंकि उसमें डिफेक्ट नहीं आता, जिसमें डिफेक्ट ना आए उसे फैक्ट कहिए, और जिसमें डिफेक्ट आ जाए माँ दी बेटी उसको फैक्ट कैसे कहेंगे। सदियां गुजर गई, सदियां गुजर जाएंगी, पर जहां भी कोई इंसान दना होगा दो और दो चार ही कहता आ रहा है, कह रहा है भविष्य में भी कहता चला जाएगा, ये फैक्ट है। कोई नहीं तीन कहेगा, कोई शताब्दी ऐसी नहीं आएगी कि दो और दो पांच कहेंगे, दो दो तीन कहे, सिद्धांत है, इट इज फैक्ट, इसमें कभी डिफेक्ट नहीं आ सकता। तो भगवान ने जो नियम बनाए दोज आर ऑल फैक्ट्स, उसमें कभी डिफेक्ट आ नहीं सकता, वरना उनको फैक्ट कौन कहेगा। उन्हीं फैक्ट्स के आधार पर दुनिया चल रही है, उन्हीं फैक्ट्स के आधार पर दुनिया चल रही है। और अगर फैक्ट में तब्दीली नहीं आती, अंदाजा लगाइए, तो बनाने वाले जिसने फैक्ट बनाए गए वो खुद कैसे होगा, अंदाजा लगा लो। अगर उनके नियमों में तब्दीली नहीं आती, ओ मेरी माता हो मेरी बेटी हो, तो जिसने फैक्ट बनाए हैं वो ओए होए होए होए, वो बताते खुद क्या होगा, आए गए गए गए। जिसके खुलाब गुलाब के फूल इतने सुंदर है, जिसकी चीजें इतनी सुंदर है, जिसकी प्रकृति वेरी अट्रैक्टिव वेरी हैंडसम है, हाय वेरी ब्यूटीफुल वेरी 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 एप्रिशिएबल एंड अफोर्डेबल, वो आप कैसे होगा, अनुमान लगाइए। जिस महारानी की गोलियां इतनी सुंदर है, इतनी अच्छी भुजाएं और शरीर है, वो महारानी कैसी होगी। जिसने इतनी सुंदर प्रकृति बनाई है, वो प्रकृति वाला कैसे होगा। आहा,
जिन्हें हम निर्देशक कहेंगे, प्रबंधक कहेंगे, निर्देशक, प्रबंधक, संचालक। वाह वाह, वो मुसाफिर खुद कितना अच्छा होगा। हाँ, लेकिन वह सर्वव्यापी, उसमें किसी प्रकार की तब्दीली नहीं आती। जो कि फैक्ट है, जिसमें तब्दीली आ जाए वो फैक्ट नहीं होता। भगवान में किसी प्रकार की तब्दीली नहीं आती, चूंकि वो परफेक्ट है। परफेक्ट में तब्दीली नहीं आती, इम्परफेक्ट कभी रहता नहीं। तो भगवान तो परफेक्ट है, उनमें कोई तब्दीली नहीं आ सकती। सदियां गुजर गई, शताब्दियां गुजर जाएंगी, फैक्ट फैक्ट ही रहेगा। और दुनिया फैक्ट नहीं है, दुनिया इम्परफेक्ट है, दुनिया अपूर्ण है। भगवान की जात पूर्ण है। पूर्ण तब भी तो है ना जब उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। बस फिर दो ही चीजें हैं हमारे सामने, जहान और भगवान। जहान में कभी कभी जहान में कभी एक जैसा रह सकता नहीं, भगवान में कभी तब्दीली आ सकती नहीं। दोनों ही अपोजिट चीजें हैं, दोनों ही अपोजिट। जैसे अमावस्या और पूर्णिमा, जैसे दिन और रात, जैसे बसंत और पतझड़, जैसे बुढ़ापा और जवानी, जैसे जिंदगी और मौत, जैसे गर्मी और दांत पे दांत बजाने वाली सर्दी जो अभी भी गई, दोनों में कितना अंतर है। इस तरह जहान और भगवान में बड़ा भारी अंतर है। भगवान की परिभाषा करते हुए हमारे भारतीय ऋषियों ने कहा, भगवान सत्य है, चित्त है, आनंद है। और जहान के लिए बिल्कुल उल्टा, जहान सत्य नहीं है, जहान में तब्दीली आ रही है। जहान चेतन नहीं है, जहान जड़ है। और चूंकि ये जड़ है और बदल जाता है, इसलिए दुखदाई है। और भगवान बिल्कुल इसके उलट है। क्या है? सत्य है, चित्त है, आनंद। जब हमने ऐसा जान लिया, अब क्या होगा? अब क्या बनेगा? इसमें तब्दीली बात बात में आ रही है, इसका बात बात में नाश हो रहा है। बात बात में अब सुन, एक्सीडेंट हो गया जी, फलाने का हार्ट फेल हो गया जी, हार्ट ट्रबल हो गई जी, फलाने का ये बन गया जी, फलाने को गंदी बीमारी लग गई जी, कुछ दिन हॉस्पिटल में एडमिटेड हुआ, उसके बाद मर गया जी। आए दिन आप देखती है, आए दिन वो गया, वो गया, वो गया, वो जा रहा है, वो काला खाता आ गया, वो काला काला आ गया, कल ये हो गया, वो मर गया, जा रहे हैं एवरीडे। यू सी एंड परसीव। हाँ, जहान तो ये है। और इसके जो बनाने वाला डिक्टेटर है इसका है, जो इसका ऑर्गेनाइजर है, हाँ, वो जूकेतु है। अब ये जब एकांत में बैठकर अब दोनों पर विचार करेंगे, हाँ, और फिर विचार करेंगे, दोबारा विचार करेंगे, तीसरी बार चौथी बार विचार करेंगे, आप देखेंगे आपका मन जंप करके भगवान की ओर झुक जाएगा। भगवान के गुण गाएगा, भगवान को मन में बसाएगा, भगवान का चिंतन करेगा, भगवान के बारे में सुनेगा। और बाकी जब भगवान के बारे में नहीं होता, आपका दिल ही नहीं करेगा वहां जाने का। आप में एक शानदार तब्दीली आ जाएगी मेरे सज्जनों, मेरे देवियों। उल्टी पुल्टी बातें नहीं जाएंगे, आप सिनेमा में नहीं जा सकते, आप पार्कों में नहीं जा सकते, क्लबों में नहीं जा सकते। आप वो रिश्तेदारी जो बिल्कुल आउटगोइंग टेंडेंसी वाले थे, आपका दिल ही नहीं करेगा कि एक पग भी उधर रखा जाए, क्योंकि समझे कि सारे बुद्धू है, मूर्ख है, जैसे मैं पहले मूर्ख बना हुआ था। ये सारी गलत है जो सिर्फ जड़ पदार्थों की चर्चा चलाती है, और जड़ पदार्थ जो के काबिले विश्वास नहीं है, हर सेकेंड नाश की ओर जा रहे हैं। हर सेकेंड ये पांच तत्वों में मिलने की तैयारियां करते जा रहे हैं। आप भगवान की बातें अच्छी लगती लगेंगी, और जो इसके उलट है आप उनमें नहीं जा सकते। आ गया आप में शानदार इनकलाब, आ गया इनकलाब। दोनों की असलियत जानकर इसी को वैराग कहते हैं। ये वैराग है, इसको आप विजडम कहेंगे, है इसे आप लियाकत कहेंगे, इसे आप बुद्धिमत्ता कहेंगे, इसे आप दनाई कहेंगे, और ओल्ट इसकी आप मूर्खता कहेंगे। ये तो दनाई है। दोनों की सच्चाई को जानना दनाई है, दोनों की असलियत को जानना बुद्धिमत्ता है, है दोनों असलियत को जानना, माँ जी को सही रूप में जान लेना, पिताजी को सही रूप में जानना बुद्धिमत्ता नहीं थी। और क्या है? आपको पता लगे मेरी माँ बहुत ही दयालु है, मेरी माँ बहुत ही नरम मन है, पिताजी तो बिल्कुल उलट है। हे पिताजी, मेरे गर्मा गर्म है, गर्मा गर्म, हाँ बड़े जिद्दी है, हाँ पिताजी तो मेरे उल्टे मेरी माँ के। अब ये दोनों आपने जान लिया, माँ मेरी नरम है, पिता मेरा गर्म है। हाँ, माँ का जन्म सोमवार को हुआ है, पिताजी का शनिवार को हुआ है। अब इनके बारे में आप जान रही हैं, पिताजी के साथ पिता के अनुसार आप डील करते हैं। कि आप बार बार में जब मूड होगा पिताजी का, तब मैं ये बात कहूंगा, पिताजी मेरी बड़ी मूडी है। मूडी क्या? मूडी का मतलब क्या होता है? क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा। ए अंग्रेजी शब्द क्यों बोलती हो तुम? अगर आए बोलती तो मैं अर्थ समझा देता हूं। जो पल में तोला पल में माता इज इक्वल टू मूडी। कोई और तर्जमा है तो मुझे बता दे यार, आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल। पल में तोला तो पल में मासा, उसे बोलते हैं अंग्रेजी में मूडी। बड़ा मूडी है यार, ये बात ही बात में, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कुछ। वाह 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 वाह, जो दोपहर में शाम लाए और शाम में दोपहर लाए उसे मूडी बोलते हैं।
जो दोपहर में शाम लाए और शाम में दोपहर करके दिखा दे, वैसे कह दिया बड़ा मूडी मैन है, हर समय इसके साथ बातचीत नहीं करनी चाहिए। और मूडी आदमी मैं बताता हूं आपको एज ए फिलोसफर क्या खतरनाक होते हैं, मूडी आदमी बड़े खतरनाक, उनके साथ ज्यादा व्यवहार नहीं करना चाहिए। वो आज भी आपसे नाराज हुए और कल भी नाराज हुए, क्योंकि मूडी आदमी का अपना दीनी मानी कोई नहीं, मूडी आदमी का अपना बेसिक कोई नहीं, मूडी आदमी का अपना कैरेक्टर ही कोई नहीं, मूडी आदमी का अपना इरादा ही कोई नहीं। मूडी आदमी बिना पैंदे के लोटा है, बिना पैंदे के लोटा। जिस घड़े को आप चौकटे पर नहीं रखते, गड़बंजी पर नहीं रखते, उस घड़े का पानी रहेगा क्या? कभी यूं लुढ़क गया, कभी यूं लुढ़क गया, कभी ब्रर, कभी ब्रर, कभी ब्रर। और घड़बंजी पर रखा जाए तो हमेशा पानी उसमें भरा रहेगा। मूडी आदमी कभी गर्म कभी नरम। तो आजकल तो प्रायः मूडी बनते जा रही है ना, बड़े खतरनाक होती है, इनसे दूर रहना चाहिए। अच्छा तो संसार तो फिर पता लग गया माँ बाप का कि माँ जी ऐसे पिता जी ऐसे, तो ये लियाकत है ना, और उनके साथ उनके अनुसार डील करना। इसी तरह संसार के बारे में भी जान लेना चाहिए कि इसकी इसके फीचर्स क्या है, इसकी हैबिट क्या है, इसका रियल एस्पेक्ट क्या है, स्वरूप क्या है इसका, संसार का स्वरूप क्या है, व्हाट इज द एस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड व्हाट इज द एस्पेक्ट ऑफ द गॉड जो इसको चला रहा है, हाँ हाँ जो इसके ऑर्गेनाइजर है जी, वो क्या है, ये जरूर जानना चाहिए। चूंकि आप कल्याण कामनी है, आप कल्याण कामी है, कृष्ण आपको बार बार कहती है, गीता में बार बार भगवान, इन दोनों के बारे में जानो, संसार क्या है, संसार के बनाने वाला क्या है, वही जात जिससे खुदाई हुई, भगवान अपना परिचय देती है, भगवान क्या है, वही जात जिससे खुदाई हुई संसार हुआ, जो सारे जहां पे गए छाई हुई। जरूर जाना करो, जब भी आपको रात को नींद नहीं आती आपको, तो यूं ही इर्द गिर्द के बातें बनाने के बजाय चौकड़ी लगाई मेरी तरह, और चौकी लगा करके विचार करना शुरू कर दो, मैंने अपना कल्याण करके जाना है, खाते पीते और यूं नहीं मर जाना, कुछ मैंने बन के जाना है। तो जहान तो ये है, जहान का स्वभाव ऐसा ही है, जब से भगवान ने सृष्टि बनाई तब से इस तरह चल रहा है, पर भगवान का स्वभाव में कभी परिवर्तन ही आज तक है, चूंकि वो परिपूर्ण सत्ता है, परिपूर्ण सत्ता, परफेक्ट स्टेज है भगवान की, उसमें कभी भी इम्परफेक्शन नहीं आएगी, जिसमें इम्परफेक्शन आएगी आप परफेक्ट कह ही नहीं सकते, जो पूर्ण है वो हमेशा पूर्ण ही रहेगा, हाँ, और अपूर्ण 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 ही रहेगा, जो अधूरा है वो तो अधूरा ही रहेगा, और पूरा पूरा कभी अधूरा हो नहीं सकता, अधूरा कभी पूरा हो नहीं सकता है। इसकी दलील आप देंगे, बताएंगे क्यों, पूरा कभी अधूरा नहीं हो सकता, अधूरा कभी पूरा नहीं हो सकता, कोई दलील देंगे ऐसा क्या बात है, ये सिद्धांत क्यों रब ने बनाया, बेटे पहले इसका जवाब दे मेरी मुन्नी की बच्ची, क्या पूरा कभी अधूरा नहीं हो सकता, अधूरा कभी पूरा नहीं हो सकता, अधूरा पहले पूरा तो पूरा रहेगा, अधूरा क्यों नहीं पूरा हो सकता, जरा इस पर अपनी बुद्धि लगाइए, क्या अधूरा अधूरा ही रहेगा, हाँ हाँ अच्छा, मैं जो भगवान ने जवाब दिया आपको जवाब दूं, बड़े से जो अपने जान मारी मेहनत की सुनो, भगवान ने सृष्टि को बनाया ही अधूरा है, भगवान दसवीं अध्याय के अखीर में कहती है मेरा एक शम्मा हुआ है यहां के मामूर है, जिससे मेरा केवल 1/4 प्रकट हुआ है, ये संसार क्या है, भगवान का 1/4, 3/4 भगवान ने अपने पास रखा है, अगर वो इसको भी पूरा कर दे जहान एक सेकंड भी नहीं रह सकता है, जहान अपूर्ण है तब आपको नजर आ रहा है, पूर्ण वस्तु कभी नजर नहीं आएगी, मेरे रब्बा ओए मेरे रब्बा मेरे रब्बा, सिद्धांत देखिए, हमेशा अधूरी वस्तु नजर आएगी, पूरी वस्तु तो नजर आ नहीं सकती, किसको नजर आए, जो खुद पूरा है वो अपने आप को देखे, आपकी खूबसूरती को कोई देखेगा हाँ, लेकर क्या अपनी खूबसूरती आप देखती रहोगी बार बार, अच्छा लगते क्या, क्या भगवान ही अपने आप को देखेंगे, नहीं, अपूरा जो अपूर्ण है वो पूरे को देखेगा, जहान एक सेकंड महापुरुष के आगे नहीं टिक सकता, अगर जहान ही पूरा हो जाए तो नहीं हो सकता, जो महापुरुष तप करके जप करके भजन करके पूरे हो जाते हैं, थोड़े दिन रह के भगवान की जात में समा जाते हैं, वो भी नहीं रहते, और तो और भगवान के भगत जब पूरे होने लगते हैं
पूरे होने लगती है। भगवान कहते बस 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 तू मेरे पास आ जा, बस 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 कम बैक। तो अधूरी जहान तो जो अधूरा रह गई। अच्छा जब ये अधूरा ऐसे जान लो कि जहान तो अधूरा है ही, अधूरी चीज क्या होती है जो हमें जिसमें हमेशा परिवर्तन आता रहे हाँ और एक दिन नजर भी ना आए। मैं आपको मोटे तौर बताता हूं, जिसमें हमेशा परिवर्तन आता रहे और एक दिन ना दिखाई दे उसे अपूर्ण कहती है, और जो हमेशा एक जैसा रहे कभी परिवर्तन आ सके ही ना उसे पूरा कहती है। हमेशा एक जैसा रहे कभी उसमें परिवर्तन आ सके ही ना उसे हम कहेंगे परफेक्ट एग्जिस्टेंस, परफेक्ट जात भगवान की, बिल्कुल एक जैसे रहेंगे। अब ये तो दोनों जान लो, अगर आप इतना भी जान ले आपका मन भगवान में चुप जाएगा कि मैं इस अपूर्ण को क्या करूं जो हर क्षण बदलता जा रहा है, हर क्षण ये अपनी रौनक छोड़ता जा रहा है, हर क्षण किसी चीज को ले लो अपनी रौनक छोड़ता जा रहा है, अपना विशेष काम करके जा रहा है जा रहा। इतना तो हम ऐसे तो जान ले। अब जो मन उलझा हुआ था इन रूपों के अंदर नहीं उलझेगा, इसी को भगवान वैराग कहती है। जहान को अपूर्ण जानना फैक्ट है, इट इज फैक्ट, और भगवान को पूर्ण जानना फैक्ट, वो पूर्ण है ये अपूर्ण है, या हर समय चेंजेबल है वो हर समय अनचेंजेबल, उसमें परिवर्तन आ नहीं सकता और इसमें परिवर्तन कभी रुक नहीं सकता, इसमें परिवर्तन रुक नहीं सकता, उनमें परिवर्तन आ नहीं सकता, बिल्कुल उलट है, अपोजिट चीजें हैं, बिल्कुल अपोजिट। हाँ एक हमेशा क्या जा रहा है, और अगर हम इसको अपनाते हैं तो भी जाएगा, तो फिर हम रोना पड़ेगा, इसमें तब्दीली हमें गवारा नहीं होगी, तो फिर हम चींची करेंगे, और अगर भगवान की ओर लगती है तो पूरी शांति बढ़ती, चूंकि वो परफेक्ट सत्ता है, वो एक कंप्लीट सत्ता है, उनमें परफेक्ट हैप्पीनेस है। जहान में जहान में कोई भी प्राणी पदार्थ अपने आप आपको खुशी, कितनी गजब की बात हो, वो मैं कई दिन आधा पागल बना रहा इस सिद्धांत को जानकर, मेरी बेटी में तो एक हाफ मैड सा हो गया सिर्फ ये जान करके कि जहान की कोई भी चीज शांति नहीं दे सकती, खुशी नहीं अपने आप में, अपने आप में अगर हम जहान की किसी चीज को ना चाहें तो काटो, अगर काट सकती हो तो जहान की कोई चीज भी प्लेजर नहीं दे सकती, हैप्पीनेस नहीं दे सकती अगर कोई चाहे नहीं तो, वही चीज उसको थोड़ी देर की खुशी देगी अगर आप चाहती है तो, अगर आप नहीं चाहते तो सोने का ढेर पड़ा हुआ आपने ठुकरा दिया है, अगर आप नहीं चाहते तो आप में से कोई बड़ी सुंदर देवी भगवती आकाश से उतरी देवताओं से उतरी हुई तो भी पितामह जी ने नहीं चाहा ना, वो तीनों बहने अंबा अंबिका अंबालिका पेट मरी अंबा, लेकिन उनको जब मैं बाल ब्रह्मचारी रहना है और मैंने भगवान का भजन करना ही, पेट मरी के मुझे ले लो, मुझे पत्नी रूप में स्वीकार कर, नहीं कदापि नहीं, किक मार दी। तो फिर अपने आप में तो किसी में शांति नहीं अगर इंसान ना चाहे तो, जिनके लिए आप पहले तरसते थे अब आप चाहती नहीं, सिनेमा आपके लिए धक्के खा गया, पार्क आपके लिए धक्के खा गए, क्लब में आपको बुलाया जाता है यार मेरे निदल करता, मेरा मन और प्रकार का बन गया, देख लीजिएगा वो पुराने कपड़े जो बड़े कीमती थे अब आपको दिल ही नहीं करता, कहते ये तो लोफरों वाले कपड़े थे, ये साड़ियां आपको नाम पुकार रही है तो कहते ना खा चुप कर कपड़े रहो, कितनी बार आपको बुलाती है जब कमरे गुजरती हुई अटैची घंटे पास करती हो, तुझे क्या हो गया है, क्या हो गया तेरे, आप कपड़े पहनने का दिल नहीं करता, मेकअप आपका नाम ले लेके मेकअप का सामान आपको बुलाता है लेकिन आपका दिल नहीं करता, क्या शरीर पर मैं क्या मेकअप करूं, अब तो भगवान की वाणी मेकअप करूंगी, अब तो भगवान के विचारों को अपने मन में रख करके मेकअप होगा, अब तो मैंने अंतःकरण को मेकअप करना है ना कि सड़ जाने वाली बॉडी को मेकअप करना, इंटायरली यू आर चेंज, देख लीजिए इंटायरली यू आर ए न्यू मैन, ओल्ड मैन आपका कहां गया, ओल्ड मैन गो विद गॉन एंड न्यू मैन ये नजर आ रहा है मुझे, यू आर इंटायरली ए न्यू मैन, ए न्यू पर्सनैलिटी। तो संसार की कोई भी चीज अपने आप में खुशी नहीं दे सकती, याद रखें सिद्धांत क्या है, अगर आप ना चाहे तो, हम चाहने से हां खुशी लेती हैं, चाह में भी कोई मिठास होती है, चाह में तो कोई मिठास नहीं, अपनी ओर से थोड़ा दूध डाल देती हैं और एक चमचा खांड मिला के कहती है बलि मिट्टी है, बले बलि मिट्टी है, मैं एक घुट और भरता हूं, अपनी खांड मिला के आप ही कह रहे बड़ी मिट्टी है, ये बड़ा सा निष्ठान जी पकड़ लो पिकअप कर लो, अपनी ओर से प्याली से आपने खांड डाली है, मनोरी ओ मनोरी महादेव भोले पुत्रा, अपनी ओर से खांड डाली हाँ, और खुद ही लट्टू हो गए, खुद कह बड़ी अच्छी है बड़ी मिट्टी है,
अपनी और सी चीजों को अच्छा कह करके हम लट्टू हो जाते हैं। ये मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा, मेरे साथ शादी कर ले तो फलानी मेरी बेटी बहुत, ऐसा काका मेरा भी हो जाए, ये बहुत अच्छा है। खुद भी अपनी ओर से खाट डाल रही हो। फ्रॉम योर ओन सेल्फ यू से सच एंड सच इज वेरी अट्रैक्टिव, इफ आई गेट सच एंड सच वर्ल्डली ऑब्जेक्ट दैट आई वुड बी वेरी वेरी हैप्पी। खुद ही खाट डाल रहे हो, खुद ही चास कामना की चासी डाल के कह रहे ये चीज बहुत अच्छी है। फिलहाल लड़की के साथ शादी होगी जो चाहते थे, हाय बहुत अच्छी, हम तो स्वर्ग में आ गए, हे तेरी बड़ी मेहरबानी तुम ही आ गए, तुम्हारी मेहरबानी तुम भी आप आ गए, हम दोनों दौरी छोटा बन के दूसरे को रगड़ा करेंगे, रगड़ो एक बन गई दौरी एक बन गया छोटा, रगड़ो एक दूसरे को, हाय मेरे रब्बा। तो ये चीजें कब सुख देती हैं, अगर आप चाहें तो, और अगर आप में सचमुच सिद्धांत है, अगर आप में खुशी होती जैसे नर मरता है तो आपको तलाक तो देता, हाय मैं मर गई। सचमुच अगर अपने आप में खुशी होती तो कोई नर आपको तलाक दे देता। पहले वो तरसता था, रोता था, चोरी चोरी पता नहीं कहां का मिलता था आपको, कब सिर्फ चाहता था तब, अब नहीं चाहता, हाँ देख लो तलाक, कचहरी में ला खड़ा किया संबंध विच्छेद के लिए या डाइवोर्स के लिए। दुनिया की कोई चीज भी अच्छी नहीं, अगर दुनिया कोई चीज होती कभी भी महात्मा वो सब चीजें छोड़ छुड़ा करके जंगलों की राह लेता, कभी भर्तृहरि अपनी इतनी अच्छी औरत को, धन को, राजपाट को, सम्राट थे वो तो, सब कुछ छोड़ छोड़ा करके भगवान के भजन के जंगलों में चला जाता गोपी चंद, आपके भर्तृहरि, हाय अगर ये अपने आप में चीजें होती, बाप पिट के मर गया, सीने से लगा लिया, मां ने अपने बटन अपने छाती को उतार दिया, क्षमा करना मेरी देवियों, और सीने से लेकर के बच्चे मेरा दूध पी ले, मैं तरसती रही हूं, किसकी घटना सुनाना, पूर्ण भगत इतने बड़े बच्चे को मां दूध पिलाना चाहती है, कोई शर्म नहीं उसके सामने, आ मेरी बेटी मैं तरस गई मैं मर गई आ जा, और राजा कहते बस अब तब मैंने करना, नहीं पिताजी मैंने असलियत जान ली दुनिया की, जी किसी काम की नहीं। पूरण फिर भी गया, पूरण को राज मिल रहा है, पूरण को मां का प्यार मिल रहा है, पुत्र तेरे आने से जो सारा बगीचा हरा भरा हो गया है, भले ही हरा भरा, जिसने हरा भरा किया है मैं उस गुरु के तप को नहीं छोड़ सकता, देख लिए सब कुछ वापस मिल रहा है, लेकिन अगर चाहो तो कोई चीज खुशी दे। ये बड़ा अच्छा सिद्धांत है, ओ मेरी देवी हो, मेरी माता हो, बच्ची हो, बुजुर्गो भाइयों, अगर आप किसी चीज को चाहती हैं तो कुछ दिनों के लिए आप उस खुशी ले लेंगे, अगर आप नहीं चाहते सब चीजें आपके लिए हेट है, मैंने आपको बताया राजपाट भी गया, सब चीजें गई अगर वो नहीं चाहते तो, और अगर चाहते हैं तो छोटी छोटी नौकरी के लिए धक्के खा रहे, छोटे छोटे गंदे मंदे नर के लिए धक्के खाते, नहीं लेना ही फिर नहीं मनानी मुझे पत्नी, नहीं लेना ही छोटे चीजें, और अगले इतने बड़े छोड़ छोड़ा करके जंगलों में चले गए। देख लो जहान की चीजें राजपाट के लिए सब छोड़ छोड़ा के, और चाहती है नौकरी के लिए जुटियां तोड़वा रही है, क्या 165 रुपए का जूता आया, हाँ अभी तक नौकरी नहीं मिली, जूते के तलवे तो फट गए। बड़ा अच्छा गीत सुनाऊंगा आपको, क्या नौकरी मैनू मिली तो नहीं पर जूता तो मेरा पैरों का फट गया, चक्कर कट 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 के इस दर्जा उस दर्जा उस दर्जा, और जब मन वैरागी हो गया तो उसी दिन वो कहती है कि मेरे पास वो आ गया कि यू आर सिलेक्टेड, तो मेरे मारा मुंह पर थप्पड़ कि अब जब रब की दौर में जा रहा हूं तो अब मैं सिलेक्टेड हूं, नो मैं अब इसको जरिया उड़ा दी उसने उस कागज की कि मुझे नहीं चाहिए, अरे जिसके लिए तरसता है बूट घिसा दिया अपने पैरों का, अब वो आ गई है नौकरी तो मैं नहीं चाहता। तो दुनिया की कोई चीज अपनी में खुशी नहीं दे सके अगर आप न चाहे, चाह मिट्टी नहीं होती, आपने खांड मिलाई है तो मिट्टी है, कोई चीज दुनिया की मिट्टी नहीं अगर हम ना चाहे तो, और कौन नहीं चाहेगा जब इसकी असलियत जानी जाती है, फिर हम दुनिया में रहते तो हैं पर दुनिया के बन के नहीं, उपराम हो करके, जैसे कोई आप ससुराल में, आप तो गए हुए, जैसे आप ससुराल में रहेंगे, हाँ आपने पिताजी भी कहा, माता जी भी कहा, और भी पितर क्या 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 नाम लिए आपने, लेकिन मन मुन करके कोई नहीं, ऊपरले मन से इन लाज को पिताजी प्रणाम, माता जी प्रणाम, सारे को उनको भी, साली को भी आपने प्रणाम, साले को भी आपने, कर्क राजे से बस ठीक है मुंह रख लिया, मन से नहीं, जैसे कि अपने घर में पिताजी को पिताजी बोलती है, हाँ फिर ऐसा भगवान का प्यारा संसार में उपराम होके रहता है, एंटेंगल होके नहीं, उलझ के नहीं रहता, फिर मेरी बेटी उलझ के नहीं रहती, आप फिर बिल्कुल किनारे किनारे रहती है, दरिया में छलांग मारना कुछ और है, किनारे पे खड़े होके नजारा देखना कुछ और, जब असलियत का पता इसी को वैराग कहती है, ये वैराग है, लियाकत है ये तो बेटे, ये तो विजडम है, इट इज नॉट वैराग, पर भगवान जी से वैराग कहती है, क्या हुआ जिनमें पहले हम उलझे हुए थे उससे मन निकल गया, और जिस बारे में जानते नहीं थे भगवान के बारे में उसमें लग गया,
इस निकल जाने को, दलदल से निकल जाने को वैराग कहती। पहले हम दलदल में फंसे हुए थे, फंसे हुए में कौन सी वृत्तियां जोर पकड़ गई थी, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, हम इनमें उलझ गए थे, इससे अपने आप को निकाल लिया, इसकी असलियत जानकर कि संसार तो आज भी गया कल भी गया और मैं कितना बेवकूफ बन रहा हूं, इसके ऊपर लट्टू हुए जा रहा, अब मैं व्यवहार करूंगा। देखो मेरे गुरु के शब्द जो मैं बड़ा लाभ उठा रहा हूं, अब हम व्यवहार तो करेंगे जहान के साथ पर इतबार नहीं करेंगे, क्योंकि जहान इतबार करने योग्य नहीं है, व्यवहार करने योग्य है। आप मेरा मेरे साथ व्यवहार कर लो, जो मेरे पास है मेरे से ले लो, मैं आपके साथ व्यवहार करूं, लेकिन एक दूसरे का इतबार ना करें। पता नहीं कब मेरा फूकना फट जाए, पता नहीं कब आपका बैबून फट जाए। Nobody knows, चूंकि हम सब के साथ प्लेटफार्म के यात्री हैं, पता नहीं किसकी ट्रेन किस वक्त आ जाए। We are standing on the platform, railway platform. Hi. ऐसा व्यक्ति व्यवहार तो करता हुआ दिखाई देगा, ऐसी मेरी बिटिया व्यवहार जरूर करेगी, इतबार नहीं करेगी। आहा, यही कृष्ण चाहते हैं, यही भगवान जी चाहते हैं। आओ व्यवहार करो, एक दूसरे को करो साधो मन, हासिल हो तुमको मकामी बना, भाव ऊंची हो जाए, इतबार ना करना। बहारे रूठ जाती है बहारों का भरोसा क्या, गुब्बारे फूट जाते गए गुब्बारों का भरोसा क्या, ये रिश्ते टूट जाते गए इन रिश्तों का भरोसा क्या, बहारे रूठ जाती है बहारों का भरोसा क्या, ये रिश्ते टूट जाती हैं रिश्तों का भरोसा क्या। कब से तुझे लेने नहीं आ रहे, 2 साल हो गए लेने नहीं आते, पात्र भी नहीं डालता, और क्या रोना है, लड़का जो मेरा हुआ था वो भी नहीं देते, ये सब रूठ जाती हैं इनका भरोसा क्या। इसलिए साने कहती हैं फिर रहना सीख लो जहान में, ये इतबार करने योग्य नहीं, व्यवहार किया जाना चाहिए, व्यवहार करो अपने दोस्तों के साथ, इतबार ना करना। आहा, बड़ा सुंदर आई है बहार, सोना खिड़िया है गुलजार, फूलों नु देखी जा, फूलों नु हाथ ना ला, क्यों फूल जानगी कुमला। बस माया ऐसे पर्दे डालती है जो कुमला ने हमें नहीं दिखाई देता, फूल दिखाई देते हैं, सुगंधी दिखाई देती है, भवरा बैठा हुआ रस चूसता हुआ दिखाई देता है, लेकिन इसके बैकग्राउंड में कि इसकी पंखुड़ियां गिर जाएंगी और ये इस पर खिजा आ जाएगी, जिन जानते आप जैसे दाना, आप जैसी जो विचारशीला देवी विदुषी हैं, इस रास को जान जाती है, अपना पूरा मन भगवान में लगा देती है। दोनों में मुकाबला किया करो मेरी बेटियों, मेरी सज्जनों, दोनों में जहान क्या भगवान का, भगवान का जहान क्या, दोनों आपको एक अमावस्या नजर आएगी, एक पूर्णिमा दिखाई देगी, दोनों में दिन रात का अंतर है। अब मेरी कहने की जरूरत नहीं, क्या होगा, मन भगवान में लग जाएगा, भगवान पर भरोसा करेगा, भगवान के अनुसार, चूंकि जिधर हम लग जाती है ना उनके अनुसार रहने का जी चाहता है, अदि नहीं खुशी मानता है, जिसके आप बन जाते फिर भगवान के उपदेश के अनुसार जुटेंगे, भगवान के उपदेश को बुद्धि में रखेंगे, भगवान के विचारों को मन में रखेंगे और भगवान के अनुसार अपनी जिंदगी के दिन बिताया करेंगे, बुद्धिमान और तन होगी भगवान के कैसे, जिसके आप बन जाएंगे उन्हीं के अनुसार तो लगेंगे, जिसके साथ प्यार होता है उन्हीं के अनुसार ही व्यवहार होता है, उन्हीं के इशारों पर हम नाचा करते हैं। यही कृष्ण चाहते हैं, यही महाराज जी चाहते हैं कि असलियत को जानो, जब भी वक्त मिल गया करे मेरी देवियों मेरे सजनों, आप असलियत को पकड़ो, बार बार असलियत को जानो, बार बार असलियत को पकड़ो, जितना भी आपका वस्त्र, यू प्लीज ट्राई योर बेस्ट, और ट्राई करते हुए इसकी असलियत को पकड़ लो कि मैंने एकांत में बैठकर इसकी असलियत को जान लेना है। आपको अपने कल्याण की कसम, असलियत को जानने की कोशिश करो, क्या है जहान और कौन है इसके बनाने वाला, वो क्या क्या है, इन दोनों में डिस्टिंग्विश कीजिए, इन दोनों में डिफ्रेंशिएट कीजिए, इसी को वैराग कहती है कि जो हम उलझे हुए थे यहां से मन उठ जाएगा, और जहां पता ही नहीं था हम अपने कल्याण के लिए जुट जाएंगे, लग जाएंगे किधर, भगवान की ओर, भगवान के फरमान की ओर, भगवान ने जो तरीका बद कभी ये भी सवाल आपने नहीं किया, घर में पिताजी के पास रहती है, अगर रहना पिताजी के पास तो पिताजी के अनुसार रहना पड़ेगा, और अगर हम जहान में रहती है तो जहान के बनाने वाले के अनुसार, इसमें कोई पाप है, कितनी खुशी में पा रहे, और भगवान करे मेरे से ज्यादा आप खुशी पाए, जहान के बनाने वाले के अनुसार रहना सीख जाओ, इसी को वैराग कहते हैं। जो जिसने जहान बनाया उस परम पिता के अनुसार अपनी बुद्धि अपना मन अपना तन चलाए, उनकी कमांडमेंट में हम रहे,
इतनी खुशी, इतनी प्रसन्नता, इतना जीव का कल्याण है कि मैं अपनी जबान से बोलूं तो क्या बोलूं, बताऊं तो क्या बताऊं। जिंदा खाइए, उनके गुण गाइए, ये सब कुछ उन्हीं के अनुसार तो हो रहा है। बस जिंदगी के दिन काट लो, ये प्रसंग चला हुआ है। जो मन चंचल था, क्यों भगवान के अनुसार नहीं रहे थे, चंचल बना दिया गया, अब चंचल अब सुथेर हो जाएगा। किसमें? अपने आप में। जब आपकी शादी नहीं हुई थी, क्षमा करना, आप स्थिर नहीं थे, इधर उधर लेडी फ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते फिरते थे। हाँ, कई फ्रेंड्स थे आपके, नॉट ओनली ही बट शी एज वेल, कई फ्रेंड थे। हाँ, मजाक मजूक ये वो सब चलते थे। शादी के बाद, हाँ बाबा, वो मेरे लिए किला बन गई तो मैं उसके लिए खूंटा बन गया, वो मेरे साथ बंध गई और मैं उसके साथ बंध गया। अब जैसे मैं कहता हूं वो मानती है, और जैसे वो कहती है मैं मानता हूं। जिंदगी दिन अच्छे काट रही है, क्यों? जहां प्यार वहां कभी ना होगा इनकार, जहां प्यार वहां कभी नहीं हो सकता इनकार। आपका घर का अनुभव है। इसी तरह जब भगवान की असलियत जानी जाती है, मानो जीवात्मा खूंटे के साथ बंध गए। जो आवारा गर्दी करता रहता था मन, यहां था वहां, नो मोर रैम्बलिंग, गैम्बलिंग नहीं बोल रहा, रैम्बलिंग बोल रहा हूं, नो मोर रैम्बलिंग, नो मोर वॉन्डरिंग, बल्कि क्या हो गया, स्टैंड स्टिल। ये मन स्थिर हो गया। एक बार आजमा के देखो, हर मेरी मैया जिसके कानों में भगवान की आवाज जा रही है, आजमाए, मन स्थिर हो जाता। इसको मेरे भगवान अभ्यास कह रही है। इसी से वैराग पैदा होता है। अब हम पहले की तरह, लेकर हमारा अभ्यास बदल गया, हमारे इरादे बदल गए, हमारे विचार बदल गए, हमारे कार्य बदल गए, हमारे दोस्त बदल गए, हाय गए, हमारा वातावरण बदल गया, हमारे सराउंडिंग बदल गई, हमारे एनवायरमेंट बदल गई, वही कोई हमारा दृष्टिकोण बदल गया। मैं क्या क्या बोलूंगा, आपका क्या क्या नहीं बदला, और कुछ समय पाके क्या क्या नहीं बदल जाएगा। एक दिन वो भी आ रहा है, ये शरीर भी बदल जाएगा, ये शरीर भी चला जाएगा। अभी तो बदलते जा रहे हो ना, वो बदला वो बदला वो बदला, ये गया वो गया वो गया। हाँ, देख लीजिए कितना अंतर। वो पोशाक नहीं रही, वो खाना नहीं रहा, वो सहेलियां सहेले नहीं रहा, वो रिश्ते भी दिल नहीं करता। आपके घर में रिश्ते तो आते हैं, मन नहीं करता ज्यादा रुचि लेने का। पहले उनके साथ गप्पे मारते बहते रात के 1:30-2 बजा देते थे, अब नहीं मन करता। अब मन अंदर से रोता है कि मैं आज नहीं सवेर जाग सकूंगी, भगवान का भजन नहीं कर सकूंगी, आए रब्बा मेरे मैं क्या करूं। अंदर से आप रो रही है कि जल्दी जल्दी रब करे सो जाए ना, चाहे मेरी सगी माँ आ गई है, चाहे मेरे भैया आ गया है, ये तो है ही बार मुखी, मैं क्या करूं, इनको कुछ कह भी नहीं सकती, सह भी नहीं, कह भी नहीं सकती, सह भी नहीं सकती। ये वो अवस्था बन जाती, बिल्कुल इंसान कुछ और बन जाता है। सुनी बात से भी करे एतराज, रहे अनसुनी से भी तू बेनियाज। पुरानी संसार संबंधी बातों से मन वैरागी बन जाता है, जो पुरानी गंदी मंदी बातें सुनी, नई संसार की बातें सुनने का शौक नहीं रहता, इसे वैराग कहते हैं। हाय मेरे रब्बा, संसार संबंधी पुरानी बातें जबकि हम रजोगुण में तमोगुण में थे, नलायकी में थे, मूर्खता में थे, मन टूट जाता है, और संसार संबंधी नई बातें सुनने का शौक न रहे, इसे वैराग कहते हैं। ये ऐसी परिभाषा मैंने तो रब से पढ़ी है, मैंने गीता में पढ़ी। संसार संबंधी पुरानी बातें से मन खट्टा हो गया, हाँ नई बातें सुनने का शौक न रहे, आपका मन कहाँ रहेगा, भगवान जी के साथ। जरा सोचिए, पढ़े लिखे हैं, और तू तो बड़ी पढ़ी लिखी हो, पुरानी संसार संबंधी बातें, काम की, क्रोध की, मोह की, लोभ की, अहंकार की, राग द्वेष भरी, हाँ वो मन टूट गया। कुछ नहीं, मैं मिट्टी डालती रही अपने शरीर में, अंगारे डालता रहा, टूट गया मन, नहीं सुनने का शौक नहीं संसार संबंधी बातें। पुरानी बातों में मन टूट जाए, नई संसार संबंधी बातों सुनने का शौक न रहे, इसे वैराग कहती है। अब मन मन भगवान के साथ लग गया, ये भागे तो बाघ इसकी झट मोड़ दे, हिफाजत में फिर रूकी छू। यह वैराग, ये विराग मेंटेन कैसे रहेगा, आप भगवान के साथ रहेंगे। शादी तो आपने कर ली, लेकिन शादी को मेंटेन कैसे करोगे, श्रीमती को उसका कहना मानो, उसे आदर दो, उसके साथ रहो। ये ना हो कि एक करनाल बैठी रहे और एक दिल्ली बैठा रहे, इस तरह निभड़ी मुश्किल हो जाएगी। दोनों इकट्ठे रहो, जैसे कबूतर कबूतरी दिन भर तो चोगे चुगती है, पर रात को तो इकट्ठे हो जाती है, दोपहर को भी कभी इकट्ठे मिल जाती है। उनको हॉलीडे होती नहीं होती मुझे पता नहीं, उनसे पूछ के आऊंगा। कबूतरों को भी छुट्टी होती है कि नहीं, मिलाप तो उनका होता है ना। इसी तरह जीवात्मा या अपना मन मालिक के संग लगा रहता है, उन्हीं के गुण गाता रहता है, हाय हाय, तो उनके गुण गाता गाता उसी के रंग में रंग जाता है, इसलिए वैराग मेंटेन हो जाता है। जैसे शादी के बाद दोनों का इकट्ठा रहना बड़ा जरूरी है,
बहुत जरूरी है, वरना एक दूसरे पर शक करोगे, आप उसमें शक करेगी, आप वो तेरे पर शक करेगा, इसलिए दोनों का इकट्ठे रहना बड़ा जरूरी है। इसी तरह वैराग को मेंटेन करने के लिए जीवात्मा का भगवान के संग में रहना अनिवार्य है, वरना क्या राग पैदा हो जाएगा, फिर उन्हीं गंदी बातों में मन लगने लग जाएगा। तो मैं कल ही कह रहा था कि वैराग को मेंटेन कैसे, वैराग तो हो जाता, पुत्र मर गया अचानक वैराग हो गया, घाटा पड़ गया बिजनेस में वैराग हो गया, या कोई और दुर्घटना घट गई घर के अंदर जो हम नहीं चाहते थे वो हो गई तो वैराग हो गया। लेकिन इस वैराग को मेंटेन कैसे करें, अब आपके सामने सत्य असत्य की पहचान हुई, व्हाट इज प्रॉपर व्हाट इज इम्प्रॉपर, व्हाट इज ट्रुथ व्हाट इज नॉन ट्रुथ, इन दोनों में डिस्टिंग्विश किया, आपको सताई की ओर मन लगने लगा, इस जाने वाले जहान से मन उठने लगा, बट नाउ द क्वेश्चन कम्स अराइजेस, क्या इसको मेंटेन कैसे करें। मेंटेन जीवात्मा के साथ भगवान लगे रहे तब ये मेंटेन हो जाएगा, क्योंकि उनके गुण आएंगे, हाय उनकी मस्ती आएगी, उनका दिव्य रस आएगा, नाउ यू कैन मेंटेन, दोनों आप इकट्ठे बने रहे, एक दूसरे से अंडरस्टैंड करोगे, एक दूसरे सुख दुख में काम आओगे, एक दूसरे में लव एक्सचेंज करेंगे, देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ लव, तो वो इज्जत मान बड़ियाई प्यार बना रहेगा, तो दोनों का आपस में जिंदगी भर काट लेंगे। इसलिए जब जीवात्मा भगवान के गुणों को गाती है, भगवान के अनुसार अपने आप को रहती है, तो वो रंग प्रभु का चढ़नी लगता है, ओए 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 ओए, और फिर वैराग मेंटेन हो जाता। फिर संसार में रहते हुए भगवान ने क्या कहा, कमल के न पत्ते पे ठहरे तरी, फिर हम कमल की तरह पानी में रहती हैं, पानी में रहती है लेकिन पानी से बिल्कुल निराले, गिल से बिल्कुल निराले है कमल, नीचे कीचड़ है जिसको आप सब्जी बनाते हैं आलू और भिस, नीचे भिस है और उसमें छेद कितने सुंदर किए हुए हैं, जैसे कि ड्रिल के साथ बराबर के छेद है सारे, जैसे मशीन के साथ छेद किए हो, मजा ले कोई एक कम हो या ज्यादा बिल्कुल बराबर, वाह उनका वाया कितना बराबर है, नीचे वो भिस होता है और उसमें कीचड़ भरा पड़ा है, ओए होए होए होए, ऊपर पानी फिर ऊपर डंठल फिर ऊपर हरा हरा पत्ता, उससे निकला है ये कमल का अट्रैक्टिव, वेरी अट्रैक्टिव फूल। फूल कमल का फूल हर समय किधर रहता है, उसका मुंह किधर रहता है, सूर्य की ओर, हर समय वो सूर्य पर फिदा है, सूर्य पे आशक है वो, कितना सुंदर उसमें रंग भरा पड़ा है। इस तरह अंदर वाले जीवात्मा का मन हर समय भगवान के संग लगा रहता है, इसलिए वैराग मेंटेन्ड फुल्ली मेंटेन्ड विदाउट एनी प्रॉब्लम विदाउट एनी हिंड्रेंस, ओ मेरी भगवती अब मन स्थिर हो गया, या यूं कह दूं स्थिर होना शुरू हो गया, जो मन पहले चंचल था बेताबी और बेचैनी मचाए हुए था, अब नहीं, अब मन बिल्कुल स्थिर शांत टिक गया, रह चुके टिके हुए के साथ लग गया तो टिक गया, पहले भटके हुए दुनिया के साथ लगा हुआ तो खुद भी भटक गया, जैसी संगत वैसी रंगत, भटके दुनिया के साथ मन लगाया हम भटक गए, कभी कामी कभी क्रोधी कभी मोही कभी लोभी कभी हंकारी, अब मालिक के संग लग गए तो उनके गुण आ जाती है, वो खुद ही टिके हुए हैं, जीव टिक के शांत हो जाता, बिल्कुल शांत। विचार कीजिए कितना जरूरी है वैराग आपके पास आना, जिसको भगवान का अभ्यास और वैराग में कमाल दिला जाए काबू में कुंती के ला, अभ्यास इन तो कौन थे ये वैराग्य इन जगृहते, बहुत ही कमाल का। बस मैं फिर भी कहूंगा और बार बार कहता जाऊंगा, संसार और जहान के में मुकाबला किया करो, जहान क्या है भगवान क्या है, दोनों आपको उल्ट नजर आएंगे, जहान हर समय चलायमान है, जहान हर समय मेहमान है, क्यों चलायमान है, मेहमान कौन होते हैं चलायमान, दो दिन आपके पास रहे फिर चलते बने, फिर कहीं और दो दिन जाके रहे, फिर कहीं और चले गए, फिर अपने घर में गए, फिर वहां से फिर उनको जाना पड़ा, जो चलायमान वो मेहमान, तो जहान मेहमान है क्योंकि ये चलायमान है। बस अगर ये बात आप जाननी शुरू करेंगे आपका मन इसमें लग नहीं सकता, काई कहां जमती है, जो पानी खड़ा हो उसमें काई लग जाती है, क्या कभी चलते पानी में भी काई आपने देखी, नहीं, बात मन जो जम गया था इसके साथ तो इसके गंदी गंदी काइयां लग गई, नेगेटिव क्वालिटीज जस्ट लाइक काई, वो हमारे में आगे काम करो वो लोग, इसके साथ जम गया था, अब नहीं जमेगा, अब मालिक के संग मूवमेंट में रहता है, भक्ति में रहता है, प्रेम में रहता है, लगनता में रहता है, तो अब ये अपने आप में मस्त हो जाता। भगवान करे आप ये अभ्यास करें, मेरी उपस्थित कल्याण करनी देवियां या आने का पूरा लाभ इस तरह उठाए कि मैं अपना अभ्यास जारी रखूं।
शरीर छूटने से पहले परमात्मा करे आप अपना अभ्यास पूरा कर ले। आज मैं आपको यकीन दिलाता हूं पूरा कर लोगे अगर आपका मन भगवान में लगा रहे। जहान में व्यवहार करते रहिए लेकिन जहान का इतबार नहीं करना, जहान में उलझना नहीं, जहान में फंसना नहीं। और फंसते हैं वो जो जहान को सही जानते नहीं, वो ही उलझ जाती है। वो मेरे गुरुदेव ने कहा था क्या, सियानी मक्खी बनना शहद भी चट लेना और अंग भी ना फंसाना। जल्दी मक्खियां शहद तो चट लेती हैं लेकिन पच पच के मर जाती हैं, और शहद में अपने पैरों को उलझा लेती हैं। आप विचारों में रहती हैं, सुलझे हुए रहती हैं और अपना मतलब ही पूरा कर जाती हैं। वो शहद, वो मक्खी कितनी होशियार है, शहद भी चट गई और उड़ भी गई। आप क्या अपना परलोक भी बना गए और उड़ भी गए, और दुनिया वाले लोक भी नहीं बना सके, परलोक तो खाक बनाते। वो जल्दी मक्खी ना शहद तो चट्टी पर आप मर गए बीच, मर गई बीच में, हम कहे गंदी मक्खी। और वो हुशियार मक्खी शहद भी चट ली और उड़ भी गई, जान भी बचा ली। ये मक्खी कौन सी जो किनारे बैठ के चटती है? जल्दी मक्खी कौन की जो प्रलोभन में आके बीच में छलांग मार जाती है? शहद तो चटती है पर फिर उड़ नहीं सकती क्योंकि सारे पैर चिकने चिकने हो जाती है, सारे पैर उस शहद में फंस जाती है। शरीर छोड़ने से पहले अपने आप को सुलझा लो, सुलझा लो, सुलझा लो। जैसे भगवान ने आपको बड़े कमाल का निष्ठान दिया है, क्या क्या कितना अच्छा कहा, सुकेड़े जो हर शायद से अप, ये वैराग्य। जैसे कछुए को डर लगता है जब सथल पे जाता है, कछुआ दोनों सथल का प्राणी है, जल प्राणी भी है और सथल प्राणी भी है। कछुआ पानी में भी रहता है और सथल पे भी जाता है। सथल पे जाती बार जब उसे डर लगता है तो अपने सारे पैर अंग अंदर सुकेड़ लेता है और गोल मटोल हाकी का बाल बन के रह जाता है। इस तरह आप जैसे नेक जीवा, आप जैसे नेक मेरी देवियां क्या बिल्कुल अपने आप को विड्रॉ करके रहती है। बहुत कमाल का दृष्टांत है भगवान जी का, क्या सुकेड़ी जो हर शायद से अपनी हवास। जिसने अपने आप को सुकेड़ के रखा, उलझ के नहीं, अपने आप को फंसा के नहीं, व्यवहार भी कर रहा है लेकिन सुलझा हुआ जीव। परमात्मा करे आप भगवान की नजरों में सुलझे हुए दिखाई दो। वे पर मैं आपके हक में दुआएं देते रहता हूं मेरी देवियों, आप मेरे प्रभु की, मेरे इष्ट देव भगवान कृष्ण की नजरों में सुलझे हुए दिखाई दे, क्या अपना मतलब ही पूरा कर रही है, अपना लोक का मतलब ही पूरा, साथ साथ परलोक भी बनता जा रहा है। ओए 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 ओए, साथ साथ परलोक भी बनता जाए, ओए बहुत अच्छी, ओए बहुत अच्छी, लोक का स्वार्थ भी पूरा हो जाए, ये आपकी लियाकत, और साथ परलोक भी बना जाए। जाना तो है इस जहान से, जब जाना है तो तैयारी क्यों ना हो, सुलझे हुए क्यों ना रहे, क्यों उलझे हुए जाए। शाबाश, जब बच्चे ने इम्तिहान देना है तो क्यों ना पहले तैयारी करे, क्यों ना हर सब्जेक्ट की तैयारी पहले कर ले, वेरी गुड। इससे जब पता है कि हमने शरीर छोड़ देना है और सब चीजें छोड़ के जाना है तो क्यों ना सुलझे हुए रहे। पर सुलझे हुआ वही रहेगा जिसके जीवात्मा मालक के संग मिलता जा रहा, मालक के संग वही मिलेगा जिसका मन संसार के प्राणी पदार्थों से हटता चला जा रहा। पर उसी का मन संसार के प्राणी में हटेगा जो संसार की असलियत को जान रहा है। संसार की असलियत वही जानेगा जो समझ गया है कि जहान का हर प्राणी पदार्थ चलायमान चलायमान चलायमान, वो बड़ी जल्दी अपने आप को सुलझा लेगा। मेरे सजनों, ओ मेरी कल्याण कामनी देवियों, बाकी तो पथ पथ के मर रहे गए, जलील हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। बचा लो अपने आप को देवियों, बचा लो, बचा लो मेरे कल्याणकामी सजनों, बचा लो। भगवान का प्यारा आपको क्या चेतावनी दे रहा है, मुद्दत से दे रहा है, 40 वर्षों से दे रहा है, बचा लो अपने आप, बचा लो, बचा लो अपने आप को। बड़ी लियाकत है अपने आप को बचा के रखना। यही कृष्ण आपको गीता के माध्यम से समझा रहे हैं, करो व्यवहार उलझ के नहीं, हाय मर गए, हाय मर गए, करो व्यवहार उलझ के नहीं, सुलझ के। बिल्कुल, कितनी लियाकत है मेरी भगवती, उलझ के व्यवहार करना, रोग चिंता में करके, फिर ब्लड प्रेशर हाई लो करके, ये कोई जिंदगी है? हर समय हर पढ़ी लिखी अनपढ़ियों पर जिन्हें स्कूल का मुंह नहीं देखा उनके मुंह पर भी यही शब्द है, पढ़ी लिखियों के मुंह पर यही शब्द है, और तो और गवारू जो पेंटू है उनके मुंह पर ये टेंशन है। आजकल मेनू टेंशन रवे, जब 20 दिन का मनु टेंशन रहा है, पढ़े लिखे बड़ी में टेंशन, बड़ी टेंशन, ये कुछ जीवन है, टेंशन टेंशन, क्या टेंशन, मैंने खिंचाव तनाव, मेरे मेरी दिन तनाव में रहती है। तनाव का मतलब क्या होता है, क्या करूं मैं, क्या मैं करूं, जब कोई बात सुलझे नहीं,
जब किसी का वे आउट दिखाई न दे तब हम बड़ी दुविधा में फंस जाते हैं। टेंशन तो क्या बोलती है, मैं बताऊं आपको टेंशन का तर्जमा करूं, रस्साकशी। कभी देखी रस्साकशी, 10-11 प्लेयर इधर होते हैं, 10-11 इतना मोटा रस्सा बीच में होता है और एक पीछे पिलर होता है मोटा लड़का, उसके पेट में रस्सा बंधा होता है, उधर भी मोटा रहा लड़का, वो पिलर उसे बोलती है, उसके पेट में रस्सा बंधा होता है, 10-11 बीच में प्लेयर है, अरे अब वो रेफरी सेंटर में खड़ा है, 1-2-3 करता सारे खींचते अपनी ओर, खिंचके पहले वो ले गए, फिर खिंचके वो ले गए, हाँ फिर वो खिंचके ले गए, फिर इसी तरह तनाव रहता है हमारी बुद्धि में, कभी कई काम ना खिंचके ले गए, कभी कोई चिंता खिंचके ले गए, कभी कोई ऐसी रस्सा कशी में मौत आए अगर जन्म ऐले किरदार में आके ले। भगवान कहते हैं इस जिंदगी में बर्बाद होंगे, अगला जन्म भी अपना बर्बाद करेंगे जो टेंशन में शरीर छोड़ देंगे, अर्थात तनाव में शरीर छोड़ देंगे, या जिनके अंदर रस्सा कशी बनी हुई है। ये जिंदगी रस्सा कशी वाली बड़ी गंदी, और आपका जीवन कितना अच्छा सुलझा हुआ जीवन, आप में लगे हुए मालिक के संग अपना पुरुषार्थ किए जा रहे हैं, नो टेंशन एट ऑल, ऑलवेज अटेंशन, ऑलवेज अटेंशन, नो टेंशन, यू आर ऑलवेज अटेंटिव, हर वक्त हमें सावधान सतर्क सजग है, कोई तनाव नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई ब्लड प्रेशर हाई नहीं, ब्लड प्रेशर अपनी नेचुरल स्टेट में जा रहा है जैसे कि जाना चाहिए, क्योंकि आपका मन शांत है, आपका मन आनंदित है, कोई कामना कोई वासना तब तंग करे जब संसार को आप सही ना समझे। अब आपके मन में संसार की कोई कामना नहीं, फला वस्तु मुझे मिल जाए, फला वस्तु मिल जाए, आप पुरुषार्थ कर रही है, आपको पता लग गया है कि जिस वस्तु ने मिलना होगा अपने आप मिलेगी, जिस वस्तु ने मिलना होगा मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं, मैं अपने जुटा हुआ हूं, जिसने मेरे साथ मिलना है वो अपने आप मिलेगी, इसको महापुरुष कह के चले गए। संसार की वस्तु की तमन्ना कितनी मूर्खता है, पुरुषार्थ करना तो ठीक था कि हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, दफ्तर में आइए बिजनेसमैन है, लेकिन इनकी तमन्ना करना उसी तरह मूर्खता है, वो मैं पढ़ के हैरान हो गया, बात सच्चाई से भरी पड़ी हो मेरी देवी हो, क्या बार बार आप क्या कर रही, एक व्यक्ति बार बार डाकाने जा रहा है, बार बार जो उसकी बीट का डाकिया ना, बीट मैंने उसके हल्के का, उसके हल्के का डाक किया है, रामलाल उसका नाम है, रामलाल दोबारा पूछता है, रामलाल है यार तू आया नहीं, मेरा मन ऑर्डर आया, आ गया, आगे मन ऑर्डर आया 600 रुपये का, हाँ 600 रुपये पत्र आया मेरे पुत्र ने मैंने भेज दिया, तो लाला जी आप तीसरी बार आ रहे हो मेरे पास, आप जाओ ना आराम करो, यार आराम कर, आराम की मैं कर 600 रुपये ना लवा, लाला जी मैं एक बात करूं, हाँ ये मन ऑर्डर है ना, जाके घुराड़े मारो तो भी मैं आवाजें मार मार के दस्तखत करवा के दे के जाऊंगा, डिलीवर करके जाऊंगा, मन ऑर्डर है तो और किसी और को थोड़ा दे जाना है, मैं आपको ही दे के जाऊंगा, मेरी ऑर्डर है। अच्छा बार बार क्यों कष्ट करते हो, वह परमात्मा की कसम हो सजनो देवियो, जो हमारे रब्द में रब ने पहले लिखी है वो मेरी ऑर्डर है, वो आपको मिलनी है, उनके लिए क्यों चिंता, रामलाल को बुद्धू कहेंगे, बुद्धू रामलाल क्यों मेरी ऑर्डर के लिए बार बार डाकाने जा रहा है और अपने बीट वाले अपने हल्के वाले डाकियों को तंग कर रहा है, यार आएगा मैं आऊंगा जी आवांगा, घर बैठ जाओ चुप करके, चीजें मनियाडर की तरह आपके पास आएंगी और आपको ही डिलीवर होनी है, पड़ोसी को डिलीवर नहीं हो सकती, मनियाडर वाले ने रोटी खानी है कि नहीं खानी, पोस्टमैन बेचारे रोते थे, मैं हॉस्टल में बड़ी जिंदगी काट चुका हूं, गलती से कोई नलायक लड़का किसी का मनियाडर ले लेता था गलती से, तो मैंने बच्चों की तरह रोते हुए डाकी को देखा, क्योंकि तूने गलती से मेरा मनियाडर में रोटी कहां से खाऊंगा, सारी मेरी 250 तो तनख्वाह है और 500 रुपया तो किसने ड्रा कर लिया, मैं यही तो ड्रा करके दे गया हूं, फिर वो निकलते डाकियों मदद करते, मेरे दुखी आते हमारे वार्डन साहब सुप्रिंटेंडेंट दोनों आते, हर एक लड़के को खड़ा कर देते, पहचान पहचान लेते, इसको दिया मैंने, क्यों है? हाँ जी मुझे दिया, फिर फिटे मुंह तेरा, मैं जेब लेके आया ले ले, फिर वो पहचानता, इतने दिन रोता रहा कर रॉन्ग डिलीवर हो गया ना, किसी और लड़के ने ले लिए चलाकी से, पर वो तो गलती हो सकती है, रॉन्ग डिलीवरी हो सकती है, पर मुकद्दर की डिलीवरी रॉन्ग कैसे होगी, प्री डिटरमिन्ड। बोलूं महापुरुषों के बोल, हाय हाथों की लकीरों को मिटाया नहीं जाता, जो लिखा हो पेशानी में वो हटाया नहीं जाता, जैसे हाथों की लकीरों कोई ऐसी क्या रेती नहीं बनी कि आप पर रगड़ के रख दे, इससे जो हमारे मुकद्दर में है कोई देवता भी नहीं उठा सकता, देन वाई वरी, फिर हमारा काम क्या पुरुषार्थ करना, पुरुषार्थ करें चिंता करके नहीं, जो चीज मिलनी है मिल जाएगी अपने आप ही मिलेगी, पुरुषार्थ हम कर रहे हैं, स्टूडेंट है मेहनत कीजिए, मेरे 80% नंबर आएंगे आएंगे सिर सराए नंबर, मैं अपनी ओर से पुरुषार्थ किया जा रहा हूं, शाबाश,
ये किसी बेवकूफ ने नहीं कहा, अनुभवी ने कहा है। क्या गॉड हेल्प दोस, मैं आगे बोल गया, बोल पुत्र। गॉड हेल्प दोस हु हेल्प देमसेल्व्स, परमात्मा उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता के लिए कमर कस लेते हैं। हाय इसमें कितनी सच्चाई भरी पड़ी है, परमात्मा उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता के लिए कमर कस लेते हैं या अपनी सहायता के लिए बीड़ा उठा लेते हैं। देन वाई वरी, प्रसाद किए जाए, अपनी ओर से जुटे जाए, इसको वैराग्य कहती है। कि संसार के प्राणी पदार्थ की तमन्ना नहीं, वो अपने आप आते रहेंगे, जो अपना कर्तव्य है ये। और बोलू वैराग, तेरा फर्ज क्या है, रख उस पर नजर, न जी डगमगा उसकी तकमील कर, जो कृष्ण आपको पाठ पढ़ा रही है। क्या अपने फर्ज की पहचान करो, भगवान के नाम पे कर दो। अपने फर्ज की पहचान कर, टाइम टू टाइम फर्ज बदलते रहती है, पहचान करो और भगवान के नाम पे कर दो, ये वैराग। क्या होगा, मन आपका फंसेगा नहीं, कहीं भी नहीं फंसेगा, ना संसार में फंसेगा, ना अपने में फंसेगा, ना किसी के शरीर में फंसेगा, वो मन मालिक में लगा रहेगा, प्रभु के संग जुटा रहेगा। ऐसे लड़की हो या लड़के, गृहस्थी हो या विरक्ति, अपने वनवासी हो या नगरवासी, लहगेबाजी, वो कहीं भी एंटेंगल नहीं होते, बल्कि सुलझे हुए जिंदगी के दिन काट जाते। ये है आजकल जो विषय चल रहा है, मन की चंचलता एवं स्थिरता, बड़ा जरूरी है आप सबके लिए, बड़ा जरूरी है ये विषय, अनिवार्य है। आपके साधना के दिनों में बड़े काम आ रहा है मेरी देवी, और भी एक आग था प्रभु, सुनते रहो, जैसे प्रभु मुझे प्रेरणा देंगी मैं इस पे और भी ज्यादा प्रकाश डालता जाऊंगा, और भी समझाने की अपनी ओर से चेष्टा करूंगा। तो जो बात आपको समझ आ जाए, ये समझ आ गई ना, मेरी हो गई, जो बात समझ में आ गई मेरी हो गई, फौरन अपनी ले लो, फौरन उसी समय, हाँ आइए मेरी सरकार, आओ या आने का लाभ उठा लो, आने का लाभ उठाओ मेरी मैया, मेरी नेक बेटी, कि हम लोग अपना कल्याण कर जाए, हम उलझे हुए हैं, सुलझ जाए, बड़ी जल्दी सुलझ जाओ, क्योंकि जिंदगी के दिन खत्म होते जा रहे हैं ना। ये मन में पक्का इरादा करो कि मैं उलझ के जन्म लिया है पर सुलझ के मरूंगी। है शाबाश, है शाबाश, है शाबाश। गीता को छाती पे रख के कहा करो, जन्मा हूं तो मैं उलझ के मेरे परमात्मा, अब मैं मरूंगा तो सुलझ के, उलझ के जन्मा हूं पर सुलझ के मरूंगा। इतने भगवान खुश होंगे मेरी वाणी पर विश्वास करना, जिसने ये इरादा कर लिया प्रभु बड़े खुश होते हैं, उनकी आत्मा ही तो है हमारे अंदर। उलझ के मैं जन्मी हूं मेरे परमात्मा सुन ले, पर मैं सुलझ के मरूंगी तेरी गीता के प्रताप से, तेरी गीता के उपदेश में सुलझ के मरूंगी, भले मैं उलझ के जन्मी हूं पर मैं मरूंगी उलझ के नहीं। भगवान वैसे ही वातावरण बना देंगे, वैसे ही आपके एनवायरमेंट सराउंडिंग्स, आपके अंतःकरण की इंटरनल एक्सटर्नल बनती चली जाएगी, क्योंकि आपने पक्का इरादा कर लिया है कि मैंने उलझ के सुलझ के रहना है, उलझ के नहीं। मेरे जैसे फिर मिलते जाएंगे आपको समझाने वाले, जो आपके सुझाते जाएंगे, सुझाते जाएंगे, सुझाते जाएंगे। और प्रसाद कीजिए, और प्रसाद कीजिए। सुलझा हुआ वैरागी है, उलझा हुआ रागी है, उलझा हुआ बेसुर के गीत गा रहा है, सुलझा हुआ क्या सुरताल के साथ नाच रहा है, गा रहा है। सुरताल के साथ गाना और नाचना कितना अच्छा लगता है, बेसुरताल के साथ गाना नाचना सुहाता नहीं, दिल नहीं मानता, अच्छा नहीं लगता। जो बेसुरताल ताल के साथ नाच रहे हो या गा रहे हो, हम कहते हैं ये कैसे गा रहा है, बाजे की सुर कहां जा रही है, तू कहां जा रहा है, शाबाश तबला कहां जा रहा है और वो कहां जा रहा है। तो सुरताल के साथ जाना, इन दोनों में क्या क्या बोलू, क्या बोलू, क्या बोलू, क्या बोलू, क्या बोलू, सांस और आवाज में तारतम्य होना चाहिए, सांस और आवाज में हारमोनी होनी चाहिए, हारमोनी सांस और आवाज ये दोनों बराबर हो, बड़ा अच्छे लगती, बहुत अच्छा लगता। आपका जीवन और भगवान का उपदेश, हा ये बराबर होनी चाहिए, फिर आपका लोक भी बन गया, परलोक भी बन गया। ओ मेरी देवी, भगवान का उपदेश और आपका जीवन, इनमें तारतम्य होना चाहिए, इनमें आपस में मेल मिलाप होना चाहिए, बस लोक परलोक दोनों बन गए। वरना भगवान ने नाराजगी से कहा है, ये दुनिया है उसकी न अगला जहां, वो दोनों जहां से मारा जाता है जो भगवान के उपदेश की बेकदरी करके मनमानी करता है। मनमानी करने वाला नालायक है, रोता हुआ आया और रोता हुआ जहां फानी से कूद कर जाता है, और भगवान के अनुसार जीवन के दिन बिताने वाला बहुत ही दना, बहुत दना, बहुत ही दूरदर्शिता से काम लेने वाला। आओ मिलजुल करके
एक दूसरे को हम एक दूसरे से हमदर्दी प्रकट करें और भगवान के उपदेश को समझने की ऐसे दिव्य वातावरण में बैठकर समझे और अपनाने की चेष्टा करें कि जिंदगी के दिन अब मोस्ट लिमिटेड है। अब मैं इन्हीं दिनों में अपने आप अपनी बिक्री बना लेनी है, इन्हीं दिनों में अपने आप को बना लेना है। बड़ा अच्छा, मैं तो कहूंगा स्वर्ण अवसर मेरे प्रभु ने आपको दिया है, ये स्वर्ण अवसर का पूरा पूरा लाभ उठा लो। पूरा पूरा मन में आके मैंने अब पूरा लाभ उठा लेना है और अब मैंने अब सुलझ के रहना है। ऐसे जीव कमाल कर जाते हैं, ऐसी मेरी बेटियां गजब ठा जाती हैं। ऐसे का मन एकाग्र हो गया, हाँ, बेताबी हट गई, हाँ, भगवान के संग रह गया, हाँ, पूरा चैन और पूरा करार मिला, हाँ, निर्मल हो गए जी, और दिव्य प्रेम भगवान का भगवान से मिल गया। इसके बाद भगवान आपको यकीन दिलाते हैं, वो भक्ति तो मेरी मुझे जान ले के मैं कौन हूं क्या हूं पहचान ले। हाय, कमाल कर दिया कृष्ण ने, वो भक्ति से मेरी मुझे जान ले कि मैं कौन हूं क्या हूं पहचान ले। फिर जब दोनों में आपने मुकाबला किया जहान और भगवान में, और भगवान को आपने उत्तम जाना, जहान को आपने निकृष्ट समझा कि जो चलायमान है हर चीज इसकी जाने वाली है, तो फिर जो पुरुषोत्तम स्तर जाने मुझे दिले हक नजर से जो माने मुझे, तो भारत समझ बाखबर गए वही वो तन मन से करता है भक्ति मेरी। पंद्रहवें अध्याय के आखिर में भगवान जी डिक्लेयर करते हैं, वो तन मन से करता है भक्ति, दिलो जान से भगवान की ओर झुक जाती है। यही तो वैराग्य है। पहले दिलो जान से जहान पे लट्टू हो रहे थे, काका जहान पे लट्टू थे, लेकिन जहान बड़ा क्या था, नमक हराम, जहान बेवफा था, हम मरते रहे पर इसने हमारी कदर नहीं की, ये हमें जलील करता रहा, खराब करता रहा। आहा, अब हमें असलियत की पता लग गया, इसलिए अब भगवान की ओर मन झुक के जहान के फर्ज पूरे कर लेता है, साथ ही साथ परलोक बना लेता है, साथ ही साथ परलोक बनता गया मेरी भगवती, शाबाश। जैसे सियाने मां बाप अपने बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, लिखवा भी रहेंगे, रोज के खर्चे पूरे कर रहे हैं, लेकिन आमदनी का कुछ हिस्सा बुढ़ापे के लिए भी बैंक में जमा करवाई जा रही है और वो फिक्स डिपॉजिट में कई गुना बढ़ता जा रहा है। बुढ़ापे में किसी के सामने आपको यूं हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, क्योंकि आपने पहले ही प्रबंध कर लिया है, बड़ी मौज से आप रहेंगे। इस तरह बड़े दना बड़े दना बड़े दना है वो नेक जीवा जो भगवान जी के अनुसार अपना परलोक भी गेल की गेल बनाई जा रही है, जो मेरी देवियां साथ ही साथ अपना परलोक भी मिलाई जा रही है। इधर लोग के फर्ज पूरे होते जा रहे हैं पर साथ ही साथ आपका परलोक बनता जा रहा है, साथ ही साथ आपका मन भगवान के रंग में रंगता जा रहा है, आप में वैराग पैदा होता जा रहा है, विवेक पैदा होता जा रहा है, आपका मन अंतर्मुखी होता जा रहा है, आपका मन दिन ब दिन सूक्ष्म होता जा रहा है। ये परलोक बनाना है, ये सत्संग सुन करके समझ करके आप अपने जीवन में उसे उतारते जा रहे हैं, जीवन में आप ढालते जा रहे हैं, ये आपका परलोक बनता जा रहा है। अब यही समय आप इधर ना आते, गप्पे शप्पे मारते, कोई मेहमान आते कि या श्रीमान जी जरूर आपको बगल में बगल दबा करके सिनेमा हॉल ले जाते या क्लबों में ले जाते, क्या लोग भी बर्बाद, और टाइम तो गुजरना था ना, छुट्टी वाला दिन था, उल्टा और बिगड़ते छुट्टी वाला दिन, या आप कहीं और बर्बादी मचाते। और आप देखिए वही समय भगवान अपने पास रख के आपको प्रलोक की बातें सुना रही है, आपको सुलझाई जा रही है, बताई जा रही है, आपको गलती का एहसास करवाई जा रही है, अपने जहान के कपड़े उतार कर असलियत बताई जा रही है कि ये है कौन, इसकी असलियत क्या है, है। इसकी असलियत क्या है, शाबाश, तुम्हारा हमारा खट्टा होता जा रहा है जहान की असलियत को समझ करके, और मन अपना ब्राह्मणा पर मन को विड्रॉ करते जा रही है। ये बड़े पुण्यों के प्रताप से आपको मिल रहा है। खुद भगवान ने गीता में कहा है, जन्म पर जन्म लेके, जन्म पर जन्म लेके ज्ञानी जरूर पहुंच जाए आखिर को मेरे हजूर। कई जन्मों के बाद जीवा असलियत का अधिकारी बनता है। फिर नारी चोला, ये तो बड़े पुण्य जाग गए मेरी देवी आपकी, जैसे नाम अध्याय में भगवान ने कहा कि नारी, हाँ हाँ हाँ, जो कि पाप योनी है वो भी अपना कल्याण कर जाती है जब जहान और भगवान की असलियत जानकर भगवान की ओर, मुझे आसरा जब बनाएगा वो आला मनासर को जाएगा। शुक्र मनाओ मेरी देवियों, वरना ये जीवन भी जा रहा था और ये समय भी बर्बाद हो जाता। मालिक ने इस जीवन को भी रख लिया
और ये समय भी आपका बच गया। बड़ी कृपा मेरे भगवान की, क्या कहूं। अब भी प्रेम के अश्रु गिर जाती हैं जब ऐसा प्रसंग चलता है या इस प्रकार के विचारधारा बन जाती है अंतःकरण के अंदर। फिर मेरे होंठ बंद नहीं होते, कुछ बोल भी पड़ता हूं। बड़ी मेहरबानी है उस मेहरबान की, बड़ी मेहरबानी है उस मेहरबान की, हमें गीता मिली भगवान की। बड़ी मेहरबानी है उस मेहरबान की, इतना चोटी का शास्त्र दे दिया जो हमें क्या करना। मैं तो एक ही शब्द में कहूंगा, इतने चोटी का शास्त्र क्या उपकार कर रहा है, हमें दिन प्रतिदिन सुलझाई जा रहा है, सुलझाई जा रहा है, सुलझाई जा रहा। हम बुद्धि से भी उलझे हुए थे, मन से भी उलझे हुए थे, अपने कर्मों से भी उलझे हुए थे, अपने संबंध में भी उलझे हुए थे। हाय ये मां शास्त्र गजब ढाई जा रहा है, सुलझाई जा रहा है, सुलझाई जा रहा है, सुलझाई जा रहा है। बौद्धिक रूप से सुलझ रही है, मानसिक रूप से सुलझ रही है, व्यवहारिक रूप से सुलझ रही है, कर्मों रूप से सुलझ रही है। दस ओ दिला तेन होर की चाहिए, कितना बड़ा उपकार है भगवान कृष्ण का जो हमें हर पहलू से सुलझाई जा रही है, हर फील्ड में हमें उन्नति देते चले जा रही। लग जाओ और इस समय स्वर्ण अवसर का पूरा लाभ उठा लीजिए। और ये जो विषय चला हुआ आजकल, क्या मन की चंचलता और स्थिरता, बड़े गौर से सुन करके स्थिर करते जाइए अपने आप को, और भी स्थिर कीजिए, भगवान और भी आपको उपाय बताएंगे। और फिर सदा के लिए मन स्थिर हो जाए, सदा के लिए रुक जाए, सदा के लिए। याद रखिए, जिन्होंने बहुत कुछ करना होता है वो स्थिर रहती हैं, और जिन्होंने धोबी के कुत्ते की तरह कहीं का नहीं रहना होता वो भटकते रहती है, भटकते हुए कुछ नहीं हासिल कर सकते। अरे जैसे धोबी के कुत्ते कहावत मशहूर है, ना घर का ना घाट का। और जो स्थिर हो उन्हें बड़े बड़े काम कर दिखाए होते हैं, बड़े बड़े काम जिससे दुनिया वाले लाभ उठा रहे हैं, वो स्थिर थे, वो अंतर्मुखी हो गए और उन्हें हमारे लिए बहुत कुछ दिया। स्थिर कर लो अपने मन को, जैसे भगवान जी बता रही हैं, आपने करना धरना कुछ नहीं, भगवान जी तरीका बता रही हैं, हमारे जैसे समझा रही हैं, और भगवान ने साधन बना दिए हैं, आपने उसे अपना लेना। मां ने कुर्बानी की है गर्मियों की बहार में, भोजन व्यंजन बनाए, भोजन बनाए, और आप तो दफ्तर या दुकान से आए, आप प्रेम पूर्वक मां जी के चरण पकड़ो, मां जी के गुण गाओ और तैयार कियो भोजन, एक एक ग्रास करके खा लो। सब कुछ ऋषियों ने कर दिया, भगवान ने कर दिया, मेरे जैसा बैरा भी भेज दिया कि पका पकाया भोजन इनके आगे धरता जा और ये पचाते जा। ये मन का भोजन है जो माँ जी देती है, वो हमारे तन का भोजन है जो मेरे भगवान मेरे जैसे बहरे द्वारा आजकल बराते हैं, बहरे द्वारा, उनके भी मेरी तरह लंबे चोले होती हैं। रब जाने मैंने उनकी नकल की है उन्होंने मेरी नकल की है, लंबे लंबे चोले। हा हा, वो तन की खुराक दे जाती है, मैं आपको मन की खुराक दे रहा हूं। उनके कुक होते हैं बड़े अजीब किस्म के, उनके कुक कुकर पकाती हैं, उनके कुक कुकर पकाती हैं, और मेरे जैसे कुक भक्ति ज्ञान और विराग पकाती हैं। जो आपके ये खुराक आपके मन की है, वो खुराक आपके तन की होती है। इस मन की खुराक की, इस स्पिरिचुअल डाइट की मेरी बेटी कदर करो। ये खुराक बहुत कम जिसे हम कहेंगे आध्यात्मिक भोजन, आध्यात्मिक भोजन उर्दू वालो, रूहानी खुराक या स्पिरिचुअल डाइट हाय किसी जन्म में मिलती है। खुद भगवान ने गीता जी में कहा, सादत ये हो शाजो नादर नसी, ऐसा मौका बहुत कम मिलता है कलयुग के अंदर जहां जीव हमें, जहां हमें आध्यात्मिक भोजन भगवान का मिले, किसी संत का नहीं है, ये तो भगवान का भोजन है और भगवान की श्री मुख से निकला हुआ भोजन है जिसे हम वाणी बोलती हैं, उपदेश कहती हैं। मैं भी कदर करूं, आप भी कदर करो, मताएं और मेरी अच्छी बेटियां कदर करें, समझें अपना ले, समझो अपना लो, जो मां ने बनाया है कदर से बैठो और बड़े प्रेम से खा लो। जो ये भोजन भगवान ने भक्ति का बनाया है मेरे जैसे बैरों द्वारा ले लो, मैं सर्व कर रहा हूं, आई एम सर्विंग। आप लीजिए इस आध्यात्मिक भोजन को और अपना बनाने की कोशिश कीजिए, बस फिर लोक भी बन गया, परलोक भी बन गया, मेरा यहां पर रहना भी सफल हो गया, आपका इतने उत्साह पूर्वक यहां तशरीफ लाना भी सफल हो जाएगा, क्योंकि आपका मन भी निर्मल बुद्धि भी निर्मल दोनों फिर सूक्ष्म। और भगवान खुद गीता में कह रहे हैं, काल उसके वश में तो मन महविजा, फिर ये मन बुद्धि दोनों ही भगवान की जात में समा जाते हैं, एक में एक हो गए, फिर न जन्म हुआ।
फिर भगवान खुद कह रहे हैं पंद्रहवें अध्याय के, पहुंचकर जहां से ना लौटे कोई, पहुंचकर जहां से ना लौटे कोई, पहुंचकर जहां से ना लौटे कोई। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।